डायना एकटक नजर से लूसी को देख ही रही थी कि तभी उसे लूसी के पास कुछ दिखने लग जाता है और वो हैरानी के साथ खुद से बड़बड़ा पड़ती है। ये लूसी के पास कैसे आया? ये तो महाडायन के पास था। लूसी युग के पास जाकर खड़ी हो जाती है। लूसी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो युग की गोद में जाना चाहती थी, पर युग था कि वो लूसी की तरफ देख ही नहीं रहा था। उसका पूरा ध्यान चित्रा के शव की तरफ था। वो एक टक नजर से चित्रा के चेहरे को ही देख रहा था और उसे देखकर रोते जा रहा था। डायना अपने हाथों से इशारा करते हुए फिर लूसी को अपने पास बुलाने की कोशिश करती है, पर इस बार भी लूसी डायना के पास नहीं आती है। लूसी को देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो डायना से नाराज थी। उसे भी ये बात पता थी कि डायना ने महाडायन को धोखा दिया था, उसका अधूरा काम पूरा नहीं किया था, इसी वजह से लूसी डायना के पास नहीं जा रही थी। जब लूसी डायना के पास नहीं आती है तो डायना खुद ही लूसी के पास चली जाती है। लूसी के गले में एक सोने की चेन थी। उसी सोने की चेन में एक सोने का गोलाकार लॉकेट था। लूसी के बाल काले होने के कारण वो सोने का गोल लॉकेट अलग ही सुनहरे रंग में उसके गले में चमकता हुआ दिखाई दे रहा था, जिस कारण उस पर अलग ही सबकी नजर पड़ रही थी। डायना लूसी के पास जाकर उस लॉकेट की तरफ इशारा करते हुए सबका ध्यान उस तरफ आकर्षित करते हुए बोल पड़ती है, ये लॉकेट तो महाडायन का है, ये मैंने हमेशा उन्हीं के गले में देखा था। यामिनी हैरानी के साथ बोल पड़ती है, क्या कहा डायना तुमने, ये महाडायन का है, फिर ये लूसी के गले में क्या कर रहा है? डायना भी परेशान होते हुए बोल पड़ती है, वही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है यामिनी कि ये लॉकेट लूसी के गले में क्या कर रहा है। जितना मुझे पता है महाडायन कभी भी इस लॉकेट को अपने गले से नहीं उतारती थी, हमेशा अपने गले में पहने रहती थी। यामिनी पलट कर कहती है, अगर चित्रा आंटी कभी भी इस लॉकेट को अपने गले से नहीं उतारती थी तो फिर ये लूसी के गले में कैसे आया? यामिनी के सवाल का जवाब किसी के पास मौजूद नहीं था, जिस कारण वहां पर खामोशी बनी रहती है। युग का तो इन सब बातों पर ध्यान ही नहीं था, वो बस चित्रा के चेहरे को एकटक नजर से देखे जा रहा था। चित्रा को मरा हुआ देखकर उसे बहुत बड़ा सदमा लगा था। सदमा लगता भी कैसे नहीं, चित्रा आखिर उसकी माँ थी, और एक बेटे के दिल में उसकी माँ के लिए नाराजगी हो सकती है पर नफरत कभी नहीं। और युग के दिल में भी कहीं ना कहीं चित्रा के लिए नाराजगी ही थी, नफरत नहीं। वो चित्रा जिससे युग को नाराजगी थी, उस चित्रा ने आज उसे बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी। सिर्फ चित्रा इस संसार को छोड़कर नहीं गई थी, बल्कि अपने साथ कई राज भी लेकर चली गई थी, जो राज सिर्फ उसे ही पता थे। लूसी के गले में जो लॉकेट था उसे उतारने के लिए डायना अपने हाथ आगे बढ़ाती हुई लूसी से कहती है, आओ लूसी मेरे पास आओ, अपनी डायना के पास। इतना कहकर डायना ने अपना हाथ लूसी के गले की तरफ बढ़ाया ही था कि उसी वक्त लूसी डायना के हाथ पर पंजा मार देती है। डायना दर्द से कराहते हुए कहती है, आह! लूसी का ऐसा बर्ताव देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि लूसी डायना को इस तरह पंजा मारेगी। डायना परेशान होते हुए खुद से बड़बड़ाती है, ये लूसी को क्या हो गया, ये मुझे कैसे पंजा मार रही है? लूसी अभी भी डायना को गुस्से के साथ घूर रही थी, जैसे उसे डायना से नफरत हो। डायना फिर लूसी के गले से लॉकेट लेने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाने लगती है, पर लूसी फिर अपना पंजा ऊपर कर देती है। डायना अपना हाथ और आगे ले जाती, उससे पहले ही अभिमन्यु बोल पड़ता है, रहने दो डायना, शायद लूसी नहीं चाहती कि उसके गले से कोई ये लॉकेट उतारे। डायना अभिमन्यु से पलट कर कहती है, पर अभी ये लॉकेट महाडायन का है, लूसी के गले में कैसे? अभिमन्यु डायना के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, डायना मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, हो सकता है कि ये लॉकेट चित्रा आंटी ने ही लूसी को दिया हो, आखिर लूसी को भी तो चित्रा आंटी ने ही तुम्हें सौंपा था ना, हो सकता है उसी तरह उन्होंने ही लूसी को भी ये दिया हो। डायना को अभिमन्यु की बात ठीक लगने लग जाती है और वो अपने हाथ नीचे कर लेती है। जैसे ही डायना अपने हाथ नीचे करती है, लूसी खुद अपने पंजे से उस लॉकेट को अपने गले से उतारने लग जाती है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। लूसी उस लॉकेट को उतारती है और अपना पंजा युग की तरफ बढ़ाने लग जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे लूसी वो लॉकेट युग को देना चाहती हो। युग कुछ नहीं करता है, वो बस एकटक नजर से लूसी को देखता रहता है। यामिनी तुरंत बोल पड़ती है, युग बाबू ये लॉकेट ले लीजिए, शायद लूसी ये आपको देना चाहती है। युग धीरे से उस लॉकेट को लूसी से ले लेता है। जैसे ही युग उस लॉकेट को अपने हाथ में पकड़ता है, उसे चित्रा की आवाज सुनाई देती है, युग बेटा मेरे युग। युग हड़बड़ाहट के साथ अपने आसपास देखने लग जाता है, पर उसके आसपास उसके दोस्तों के सिवा और कोई नहीं था। और रही चित्रा की बात, तो वो मर चुकी थी, जिसका शव युग के सामने ही था। यामिनी तुरंत युग से पूछती है, क्या हुआ युग बाबू?
युग कुछ जवाब नहीं देता है, उस सोने के लॉकेट को देखते रहता है। उस लॉकेट को अपने हाथ में पकड़कर युग को ऐसा एहसास होने लग जाता है जैसे चित्रा उसके आसपास ही मौजूद हो, वो जिंदा हो। युग उस लॉकेट को बड़े गौर से देख ही रहा था कि तभी उसकी नजर उसके गोल लॉकेट पर पड़ती है। उस गोल लॉकेट को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो खुलता हो। उस लॉकेट के नीचे ही एक बहुत छोटा सा बटन था। युग जैसे उस बटन को दबाता है, युग का अंदाजा एकदम सही निकलता है और वो लॉकेट खुल जाता है। जब वो लॉकेट खुलता है तो युग देखता है कि उस लॉकेट के अंदर दो तस्वीर थी, एक तरफ युग की और दूसरी तरफ चित्रा की। उन दोनों तस्वीर में उन दोनों के बस चेहरे नजर आ रहे थे। वो तस्वीर हाथ से बड़ी ही बारीकी के साथ बनाई गई थी। लॉकेट और वो तस्वीर किसी और ने नहीं बल्कि चित्रा ने खुद अपने हाथों से बनाया था। वो कैसे उन तस्वीरों को ना बनाती, आखिर वो एक पेंटर जो थी। डायना उस लॉकेट में बनी तस्वीर को देखते हुए कहती है, देखा युग, मैंने कहा था ना महाडायन तुमसे बहुत प्यार करती थी। इस लॉकेट के अंदर भी उन्होंने तुम्हारी ही तस्वीर बनाकर रखी है जिसे वो हमेशा अपने गले में पहना करती थी। तुम उनसे दूर रहकर भी हमेशा उनके पास ही थे। युग कुछ नहीं कहता है, बस उस लॉकेट के अंदर बनी अपनी और चित्रा की तस्वीर को देखते रहता है। युग नोटिस करता है कि उसकी जो तस्वीर थी उसके ऊपर एक पानी की बूंद गिरी हुई थी जो आंसू की बूंद की तरह लग रही थी, वो भी सिर्फ युग की तस्वीर पर। चित्रा की तस्वीर पर कोई पानी की बूंद नहीं थी। कायर अपनी आंखें मलते हुए कहता है, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं होता कि वो चित्रा आंटी जो एक चित्रकार थी वो एक डायन भी थी। सिर्फ डायन ही नहीं बल्कि महाडायन, और उन्होंने डायना को यहाँ पर भेजा था। कछुआ कुछ सोचते हुए बोल पड़ता है, चित्रा आंटी ने सिर्फ डायना को यहाँ पर नहीं भेजा था बल्कि कुछ कछुआ दौती को भी भेजा था वन्ना भाभी के लिए। कछुआ पुरानी बातें याद करवाते हुए कहता है, तुम सबको याद है जब हम हवेली में थे तो हमें कुछ कछुआ दौत्य दिखा था जो वन्ना भाभी के लिए आया था, और वन्ना भाभी काला झाड़ी जंगल की तरफ चलती थी। कायर कछुए की बात में हामी भरते हुए तुरंत हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है, हाँ याद है मुझे, और हमने वन्ना भाभी का पीछा भी किया था। कछुआ झट से बोल पड़ता है, उस वक्त तो हमारी समझ नहीं आया था कि चित्रा आंटी ने कैसे कुछ कछुआ दौत्य के जरिए वन्ना भाभी के लिए संदेश भेज दिया था, पर अब मेरे समझ में सब आ रहा है। वो महाडायन थी और डायनों को कुछ कछुआ दौत्य के जरिए संदेश भेजना अच्छे से आता है, इसी वजह से वो संदेश भेज पाई थी। कछुआ आगे की बात मायूसी के साथ कहता है, वन्ना भाभी से मिलकर चित्रा आंटी ने कहा भी था कि वो उस काले साए का अंत कर देगी, पर अंत करने से पहले ही। इतना कहकर कछुआ खुद चुप हो जाता है, वो अपनी बात पूरी नहीं करता है। अभिमन्यु नम लहजे के साथ कहता है, अगर चित्रा आंटी जिंदा होती तो शायद वो कैसे न कैसे करके उस काले साए का अंत कर भी देती, क्योंकि वो उस काले साए के बारे में सब कुछ जानती थी, शायद उन्हें पता था कि वो काला साया कौन है। कायर तुरंत अभिमन्यु को टोकते हुए कहता है, ये तू क्या बोल रहा है अभिमन्यु, तू कैसे कह सकता है कि चित्रा आंटी को पता था कि वो काला साया कौन है। अभिमन्यु कायर के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, क्योंकि कायर तूने सुना नहीं डायना ने हमें क्या बताया था। चित्रा आंटी ने डायना को यहाँ पर आने से पहले ही आगाह कर दिया था कि ग्रेवयार्ड कोठी में एक खतरा है, और वो खतरा यक्षिणी नहीं है बल्कि कोई और ही है। यानी चित्रा आंटी डायना को जिस खतरे से आगाह कर रही थी वो काला साया था, और वो ये भी जानती थी कि वो काला साया कौन है। कायर पलटकर अभिमन्यु से पूछता है, तो फिर चित्रा आंटी ने डायना को बताया क्यों नहीं कि वो काला साया कौन है। अभिमन्यु परेशान होते हुए कहता है, वही बात तो मेरे समझ में नहीं आ रही कि चित्रा आंटी ने डायना से इतनी सारी चीजें छुपा कर क्यों रखी। जब वो जानती थी कि बुरा वक्त आने वाला है तो उन्होंने उस बुरे वक्त के आने का इंतजार क्यों किया, उस बुरे वक्त को पनपने से पहले ही खत्म क्यों नहीं कर दिया। अभिमन्यु और कायर की बातें सुनकर डायना परेशान होने लग जाती है। डायना मन ही मन परेशान होते हुए कहती है, मैं क्या करूं, इन्हें वो वाली बात के बारे में बताऊं या नहीं बताऊं। डायना के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, उसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो कुछ छुपा रही है। युग कायर और अभिमन्यु की बातों पर जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहा था, उसका ध्यान तो सिर्फ लॉकेट में बनी उसकी और चित्रा की तस्वीर पर था। वो उसे एकटक नजरों से देख ही रहा था कि तभी उसकी आंखें भी नम होने लग जाती हैं, और उसकी आंखों से एक आंसू का कतरा टपकता है जो सीधे चित्रा की तस्वीर पर जाकर गिर जाता है। अब युग और चित्रा दोनों की तस्वीर पर आंसू की बूंद गिरी हुई थी। युग उस लॉकेट को बंद कर देता है। अभी युग ने उस लॉकेट को बंद ही किया था कि तभी उसे ऐसे लगता है जैसे वो लॉकेट धड़का हो दिल की तरह। युग तुरंत उस लॉकेट को वापस से खोल लेता है। जब युग उस लॉकेट को खोलता है तो देखता है कि उसके अंदर उसका जो आंसू टपका था वो उस लॉकेट के अंदर मौजूद आंसू से जा मिला था, और वो आंसू चमकने लग गया था। युग एकटक नजर से उस आंसू को देखने लग जाता है। डायना के मन में अभी भी अभिमन्यु और कायर की बातें ही चल रही थी।
डायना मन ही मन फैसला लेते हुए कहती है, नहीं मुझे अभी को वो बात बतानी होगी, यही सही मौका है वरना बहुत देर हो जाएगी। अभिमन्यु फिर बोल पड़ता है, काश चित्रा आंटी किसी को तो उस काले साए के बारे में बताकर जाती कि वो कौन है। डायना अभिमन्यु की तरफ देखते हुए तुरंत उससे बोल पड़ती है, महाडायन ने उस काले साए के बारे में किसी को नहीं बताया तो क्या हुआ, पर मुझे पता है वो काला साया कौन है। जैसे ही डायना ये बात बोलती है सब लोग उसकी तरफ देखने लग जाते हैं, बस युग को छोड़कर। युग अभी भी एकटक नजरों से उस लॉकेट के अंदर ही देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे युग को उस लॉकेट के अंदर कुछ दिख रहा हो। अभिमन्यु तुरंत हड़बड़ाहट के साथ डायना से पूछ पड़ता है, क्या कहा डायना तुमने, तुम्हें पता है वो काला साया कौन है? डायना हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ अभी मुझे पता है वो काला साया कौन है। यामिनी तुरंत डायना से पूछ पड़ती है, कौन है वो काला साया डायना? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यामिनी तुरंत डायना से पूछ पड़ती है, कौन है वो काला साया डायना? सब लोग डायना की तरफ एकटक देखने लग जाते हैं। हर कोई बेसब्री से जानना चाहता था कि आखिर वो काला साया कौन था। डायना अपने दिल पर पत्थर रखते हुए हिचकिचाहट के साथ जवाब देती है, वो काला साया कोई और नहीं बल्कि अनुराग अंकल है। जैसे ही डायना ये बात बोलती है सबके होश उड़ जाते हैं युग को छोड़कर। वहां पर क्या चल रहा था युग का उन सब चीजों पर जरा सा भी ध्यान नहीं था, वो तो बस उस लॉकेट के अंदर देखे जा रहा था। उसका पूरा ध्यान लॉकेट के ऊपर था। कछुआ डायना की बात सुनकर हैरानी के साथ उससे कहता है, डायना तुम होश में तो हो ना, या फिर तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है, तुम्हें पता है ना तुम क्या बोल रही हो? डायना अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहती है, हाँ कछुआ मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ, और तो और मैं अपने पूरे होशो हवास में भी हूँ, वो काला साया कोई और नहीं बल्कि अनुराग अंकल ही है। कायर तुरंत डायना से बोल पड़ता है, डायना मुझे लगता है कि तुम्हें ना उस काले साए को समझने में कोई गलती हो रही है, उसने बस अनुराग अंकल का शरीर लिया है, वो काला साया अनुराग अंकल नहीं है। डायना अभी भी अपनी बात पर कायम रहती है और अपनी बात पर जोर देते हुए कहती है, कायर मुझसे समझने में कोई गलती नहीं हुई है, वो काला साया कोई और नहीं बल्कि अनुराग अंकल ही है, यकीन करो मेरी बात का। अभिमन्यु डायना की तरफ एकटक देखते हुए उससे पूछ पड़ता है, तुम किस बुनियाद पर कह सकती हो डायना कि वो काला साया कोई और नहीं बल्कि अनुराग अंकल ही है? डायना अभिमन्यु को सब कुछ समझाते हुए कहती है, तुम्हें याद है अभी वो रात जिस रात उस काले साए ने मुझ पर हमला किया था? अभिमन्यु नम लहजे के साथ कहते हैं, मैं उस रात को कैसे भूल सकता हूँ डायना, वो रात मेरी जिंदगी की सबसे काली रात थी, अगर उस रात तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं। अभिमन्यु इसके आगे कुछ कहने वाला था तभी वो खुद चुप हो जाता है। अभिमन्यु की ये बात कहते ही पलक उसकी तरफ मायूसी के साथ देखने लगी थी। डायना अभिमन्यु की तरफ देखते हुए उससे कहती है, तुम्हें पता है अभी उस रात उस काले साए ने मुझ पर क्यों हमला किया था? अभिमन्यु तुरंत पूछता है, क्यों किया था डायना? डायना अभिमन्यु के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि मुझे पता चल गया है कि वो कौन है। डायना अपनी बात को आगे जारी रखते हुए उस रात के बारे में याद करते हुए कहती है, उस रात मैं जानबूझकर ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर रुकी थी और तुम सबको मैंने बाहर जाने दिया था। अभिमन्यु अपनी दोनों भवें ऊपर उठाते हुए डायना से कहता है, तुम जानबूझकर ग्रेवयार्ड कोठी में रुकी थी, पर क्यों डायना? डायना जवाब देती है, हरे हीरे के लिए अभी, मैं जानती थी कि वो हरा हीरा तुम्हारे पास है और उसकी शक्तियां भी तुम्हारी हो चुकी है, पर मैंने सोच लिया था उसे मैं पा कर रहूंगी, शायद जब वो मेरे हाथ लग जाए तो अपने मंत्रों की शक्ति से मैं उसकी शक्तियों को अपना बना सकूं। इसी मकसद से तुम्हारे जाने के बाद ही मैंने उस हरे हीरे को जिसे तुमने एकास्त्र में लगा दिया था उसे तलाशना शुरू कर दिया था। मुझे लगा था तुम उसे ग्रेवयार्ड कोठी में ही रख कर गए होगे। इतना कहकर डायना चुप हो जाती है। सभी लोग बड़े गौर से डायना की तरफ देखते हुए उसकी सारी बातें सुन रहे थे सिवाय युग के, वो अभी भी लॉकेट के अंदर ही देख रहा था। डायना फिर बोल पड़ती है, जब मैं हरे हीरे को ग्रेवयार्ड कोठी में तलाश रही थी तो उसे तलाशते हुए उस कमरे में पहुंच गई थी जहां पर अनुराग अंकल और महाडायन रहते थे पहले, उनके बेडरूम के अंदर। उसी बेडरूम के अंदर एक अलमारी थी जिसके अंदर एक काला ब्लेजर रखा हुआ था, जिसके जेब के अंदर एक कागज रखा हुआ था। चटर्जी हड़बड़ाहट के साथ डायना से पूछ पड़ता है, कैसा कागज डायना? डायना चटर्जी के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, अनुराग अंकल जो यक्षिणी की कहानी लिख रहे थे उसके ड्राफ्ट का कागज, वो मुझे एक रूपरेखा की तरह लग रहा था जो हर लेखक अपनी कहानी लिखने से पहले लिखता है।
सब खामोशी के साथ डायरा की सारी बातें सुनते रहते हैं। डायना फिर बोल पड़ती है, जब मैंने उस कागज को देखा तो पहले तो मैं समझ ही नहीं पाई कि आखिर वो कागज है क्या चीज और उस ब्लेजर के अंदर क्यों रखा हुआ था। पर जब मैंने उसे गौर से देखा तो उसके अंदर डॉटेड लाइन करके कुछ छोटे छोटे चित्र बने हुए थे, जिसमें ग्रेवयार्ड कोठी, कालाझाड़ी जंगल और किश्नोई नदी बनी हुई थी। मैं समझ गई थी कि वो सब अनुराग अंकल ने बनाए होंगे अपने समझने के लिए। हर लेखक कहानी लिखने से पहले यही करता है, उस जगह का नक्शा बनाता है जिस जगह के बारे में वो कहानी लिखने वाला होता है, ताकि उस जगह को अच्छे से समझ सके। कछुआ डायना को बीच में टोकते हुए कहता है, और क्या था उस कागज में डायना? डायना कछुए के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, और उस कागज के सबसे ऊपर एक हेडिंग डली हुई थी। कायर तुरंत डायना से पूछ पड़ता है, कैसी हेडिंग डायना? डायना जवाब देती है, यक्षिणी एक डायन की। उसी को देखकर तो मैं समझी थी कि मेरे हाथ यक्षिणी की कहानी की रूपरेखा का कागज लगा है। डायना उस कागज के बारे में और याद करते हुए कहती है, उस कागज के अंदर ही कुछ पॉइंट्स लिखे हुए थे, जैसे वो पॉइंट्स चैप्टर के नाम हो जो अनुराग अंकल अपनी कहानी में लिखने वाले हो। मुझे आज भी वो पूरे पॉइंट्स याद हैं, मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकती। यामिनी डायना से पूछती है, क्या थे वो पॉइंट्स डायना? डायना अपने दिमाग पर जोर देते हुए यामिनी के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, पहला पॉइंट था यक्षिणी कौन है, दूसरा पॉइंट था यक्षिणी एक देवी या डायन, तीसरा और चौथा पॉइंट मेरी समझ में नहीं आ रहा था। कछुआ फिर डायना से पूछ पड़ता है, तीसरा और चौथा पॉइंट तुम्हारे समझ नहीं आ रहा था, पर क्यों डायना? डायना जवाब देती है, क्योंकि वो पॉइंट्स बहुत ही बारीक अक्षर में लिखे हुए थे। सिर्फ बारीक ही नहीं, बल्कि वो पॉइंट्स एक दूसरी ही अलग लैंग्वेज में लिखे हुए थे। इतना कहकर डायना चुप हो जाती है। उसकी आंखों में डर नजर आने लग जाता है, जैसे उस पल को याद करके आज भी उसकी रूह कांप रही हो। डायना के हाथ पैर कांपने लग गए थे। यामिनी तुरंत डायना से पूछ पड़ती है, तुम चुप क्यों हो गई डायना, और क्या था उस कागज में? डायना जवाब देती है, उस कागज में और भी पॉइंट्स लिखे हुए थे, जब मेरे वो समझ में नहीं आए तो मैं आगे के पॉइंट्स पढ़ने लग गई थी। उसमें जो पांचवा पॉइंट लिखा हुआ था उसकी हेडिंग थी यक्षिणी और लेखक बाबू में बिसाहा। मैं छठवां पॉइंट पढ़ती उससे पहले वो कालस आया वहां पर आ गया और उसने मुझ पर हमला कर दिया। अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, पर ये कैसे हो सकता है? अनुराग अंकल जो यक्षिणी पर कहानी लिख रहे थे उसके चैप्टर के नाम तो कुछ और थे ना, उन्होंने पहले जो रूपरेखा लिखी थी उसकी हेडिंग कुछ और थी, ये नहीं। डायना जवाब देती है, ये सब मुझे नहीं पता भी, मैं तो तुम्हें वही बता रही हूँ जो मैंने उस कागज में पढ़ा था। अभिमन्यु खामोशी खड़ा रहता है और अनुराग ने पहले जो कहानी लिखी थी उसके चैप्टरों के बारे में सोचने लग जाता है। कछुआ डायना से झट से बोल पड़ता है, डायना पर इन सब चीजों में कहां ये साबित होता है कि वो काला साया अनुराग अंकल का है? डायना तुरंत कछुए के सवाल का जवाब देते हुए बोल पड़ती है, कछुआ तुम्हें पता है उस कागज में जो तीसरी और चौथी हेडिंग थी उसमें क्या लिखा हुआ था? कछुआ डायना पर चिढ़ते हुए कहता है, मुझे कैसे पता होगा डायना, वो कागज तो तुमने पढ़ा था ना, और तुमने अभी बताया कि वो दो पॉइंट्स दूसरी भाषा में लिखे हुए थे। डायना जवाब देती है, कछुआ जब मैंने उस वक्त उन दो पॉइंट्स को पढ़ा था तब तो मेरे समझ में नहीं आया था कि आखिर वो कौन सी भाषा लिखी हुई थी, पर मैं एक डायन हूँ और डायन की आंखों में एक बार किसी चीज की तस्वीर छप जाती है तो कभी नहीं मिटती है। उस कागज में क्या था, कौन सी भाषा किस तरह लिखी थी, मुझे सब याद है। जब मैं हवेली आई तो मैंने उस भाषा के बारे में पता किया और मुझे पता चला वो ब्राह्मी लिपि थी। कायर मुंह बनाते हुए कहता है, क्या कहा, ब्राह्मी लिपि, ये कौन सी लिपि है? डायना कायर के सवाल का जवाब देती उससे पहले अभिमन्यु बोल पड़ता है, ब्राह्मी लिपि एक प्राचीन भारतीय लिपि है जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट के रूप में जानी जाती है। ये प्राचीन भारतीय भाषाओं को लिखने के लिए प्रयोग की जाती थी, जैसे कि संस्कृत और पाली। इसका उपयोग लगभग 5वीं शती ईसा पूर्व से शुरू हो गया था। इसकी मूल रूपरेखा वैदिक संहिताओं और बौद्ध धर्म ग्रंथों के साथ जुड़े ग्रंथों में पाई जाती है। ये एक सरल और प्रकारगत लिपि है जिसमें अक्षरों को वर्णानुक्रम में लिखा जाता है। ब्राह्मी लिपि की प्रमुख विशेषताओं में से एक ये है कि ये द द्वारा बदली जा सकती है, जिससे वर्णों की विभिन्न रूपरेखाएं बनाई जा सकती है। इसी वजह से ब्राह्मी लिपि बहुत सारे आकारों और स्थितियों के साथ विकसित हुई। जैसे ही अभिमन्यु ये बात बोलता है पलक झट से बोल पड़ती है, अभी तुम आखिर हो क्या चीज, इतनी सारी बातें कैसे याद रह जाती है तुम्हें, वो भी इतनी डिटेल्स के साथ, तुम्हें ब्राह्मी लिपि के बारे में कैसे पता चला? अभिमन्यु पलक की बात को काटते हुए कहता है, मुझे ब्राह्मी लिपि के बारे में कैसे पता चला ये जानना भी उतना जरूरी नहीं है पलक, जितना ये जानना कि अनुराग अंकल ने उस कागज में ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ क्या था। अगली पल अभिमन्यु डायना से पूछ पड़ता है, बताओ डायना उस कागज में क्या लिखा था अनुराग अंकल ने ब्राह्मी लिपि में?
डायना अभिमन्यु के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, उस तीसरे पॉइंट में भी एक हेडिंग लिखी हुई थी यक्षिणी की कहानी की, और वो हेडिंग थी लेखक एक भक्षानर। जैसे ही डायना ये बात बोलती है, सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं युग को छोड़कर। इस बात के बाद कोई भी डायना से कुछ बोल ही नहीं पाता है। कोई कुछ कहता उससे पहले ही डायना फिर बोल पड़ती है, उस तीसरे पॉइंट में सिर्फ हेडिंग ही नहीं लिखी हुई थी बल्कि ब्रैकेट में अनुराग अंकल का नाम भी लिखा हुआ था। डायना की ये बात बोलते ही कायर हैरानी के साथ खुद ब खुद बोल पड़ता है, क्या? डायना हामी भरते हुए कहती है, हाँ कायर, उसमें अनुराग अंकल का ही नाम लिखा हुआ था। कछुआ फिर बोल पड़ता है, तो इसमें क्या हो गया डायना, लिख दिया होगा अनुराग अंकल ने उस कागज में अपना नाम। आखिर वो एक लेखक है और लेखक अपने ड्राफ्ट में अपना नाम नहीं लिखेगा तो फिर किसका नाम लिखेगा। इस बात से कहां पर साबित हो जाता है कि वो काला साया अनुराग अंकल का ही है। डायना कछुए के सवालों का अच्छे से जवाब देते हुए बोल पड़ती है, कछुआ पहले मुझे भी यही लगा था कि लिख दिया होगा अनुराग अंकल ने ऐसे ही अपना नाम, पर जब मैंने चौथा पॉइंट ब्राह्मी लिपि से हिंदी में ट्रांसलेट किया तो तुम्हें पता है उस चौथे पॉइंट में क्या लिखा हुआ था? कछुआ खामोशी के साथ खड़े होकर एकटक डायना को ही देखते रहता है, कुछ नहीं कहता है। पर कछुए की खामोशी ने डायना को बता दिया था कि वो बेकरारी के साथ जानना चाहता था कि आखिर उस कागज में चौथा पॉइंट में क्या लिखा हुआ था। डायना खुद ही बोल पड़ती है, उस कागज में चौथे पॉइंट में लिखा हुआ था, लेखक का प्यार एक महाडायल, और सिर्फ इतना ही नहीं लिखा था, उसमें भी एक ब्रैकेट बना हुआ था जिसके अंदर चित्रा आंटी यानी कि महाडायन का नाम लिखा हुआ था। इतना कहकर डायना चुप हो जाती है। जैसे ही डायना चुप होती है, सभी के मन बेचैन होने लग जाते हैं, सभी के अंदर एक खलबली मचनी शुरू हो जाती है। डायना एक बार फिर बोल पड़ती है, जब मैंने वहां पर महाडायन का नाम पढ़ा तो मैं समझ गई कि वहां पर अनुराग अंकल और चित्रा आंटी का नाम ऐसे ही नहीं लिखा हो सकता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो जरूर बात होगी। जब मैंने इस बारे में बहुत गौर से सोचा तो मेरी समझ में आया कि अनुराग अंकल ने उस कागज में यक्षिणी की कहानी का ड्राफ्ट नहीं लिखा था बल्कि अपनी असली जिंदगी की कहानी का ड्राफ्ट लिखा था। वो अपनी असली जिंदगी की दास्तां लिखने की तैयारी कर रहे थे। कायर परेशान होते हुए कहता है, मेरे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है डायना कि तुम क्या समझाने की कोशिश कर रही हो। अनुराग अंकल अपनी असली जिंदगी की दास्तां लिखने की तैयारी कर रहे थे मतलब? डायना कायर को अच्छे से समझाते हुए कहती है, मतलब ये कायर कि उस कागज में लिखा हुआ था लेखक का प्यार महाडायन और फिर ब्रैकेट के अंदर चित्रा आंटी का नाम लिखा हुआ था, और तुम सब जानते हो असल जिंदगी में भी चित्रा आंटी ही महाडायन है, और तो और अनुराग अंकल का प्यार भी, और अनुराग अंकल भी लेखक ही है। कोई कुछ कहता उससे पहले ही डायना फिर बोल पड़ती है, इतना ही नहीं, वो पांचवा पॉइंट जिसकी हेडिंग थी यक्षिणी और लेखक बाबू के बीच बिसाहा, और हम सबको पता है कि हमारी असल जिंदगी में भी अनुराग अंकल ने यक्षिणी के साथ एक बिसाहा किया था, और यक्षिणी ही थी जो अनुराग अंकल को लेखक बाबू कहकर पुकारती थी। डायना ने सबके सामने जो तथ्य रखे थे उसके अनुसार उसने सभी को अपनी बातों पर यकीन करने के लिए मजबूर कर दिया था। कायर डायना की बात से सहमत होते हुए कहता है, डायना सही बोल रही है, युग ने जो कहानी लिखी थी अपने पापा की उसमें भी तो उसने यही लिखा था कि यक्षिणी और अनुराग अंकल के बीच एक बिसाहा हुआ था, पर वो बिसाहा क्या था बस वो हमें नहीं पता था। अभिमन्यु अपना दिमाग चलाते हुए तुरंत बोल पड़ता है, अगर अनुराग अंकल अपनी असली जिंदगी पर कहानी लिख रहे थे तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कागज जो डायना को मिला था उसकी तीसरी हेडिंग के अनुसार अनुराग अंकल भक्षानर है, क्योंकि उसकी हेडिंग लेखक एक भक्षानर लिखी हुई थी। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। अभिमन्यु अपना दिमाग चलाते हुए तुरंत बोल पड़ता है, अगर अनुराग अंकल अपनी असली जिंदगी पर कहानी लिख रहे थे तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कागज जो डायना को मिला था उसकी तीसरी हेडिंग के अनुसार अनुराग अंकल भक्षानर है, क्योंकि उसकी हेडिंग लेखक एक भक्षानर लिखी हुई थी। जैसे ही अभिमन्यु ये बात बोलता है सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किसी का भी अभिमन्यु की बात पर यकीन करना आसान नहीं था। अभिमन्यु ने एक ऐसी बात बोल दी थी जो वो सोच भी नहीं सकते थे। कायर डर से कांपते हुए और हकलाते हुए कहता है, क्या कहा अभिमन्यु तूने, भक्षानर वो भी अनुराग अंकल? कछुआ कुछ सोचते हुए तुरंत बोल पड़ता है, पर ये कैसे हो सकता है, अनुराग अंकल भक्षानर कैसे हो सकते हैं? भक्षानर का शिकार तो यक्षिणी ने उसी अमावस्या की रात कर दिया था ना जिस रात महाडायन ने यक्षिणी को अभिशाप दिया था। डायन कछुए को सब कुछ अच्छे से समझाते हुए कहती है, हाँ कछुआ तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, पर अनुराग अंकल वो वाले भक्षानर नहीं है जिसने कामेश्वरी यक्षिणी को पृथ्वी लोक पर बुलाया था। वो बस भक्षानर की एक पीढ़ी है जिस तरह चित्रा आंटी डायन की एक पीढ़ी थी।
कायर परेशान होते हुए कहता है, पर ये कैसे हो सकता है? जब भक्षानर का अंत उसी रात हो गया तो फिर उसकी ये पीढ़ी कैसे? इतना कहकर कायर खुद चुप हो जाता है। डायना कायर की बात का पलटकर जवाब देते हुए कहती है, वो सब मुझे नहीं पता, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि अनुराग अंकल ही भक्षानर की पीढ़ी है, और तो और वो काला साया भी, वो काला साया उन्हीं का है, अनुराग अंकल का ही। चटर्जी डायना की बातों पर गौर फरमाते हुए कहता है, डायना एक बार के लिए मैं तुम्हारी बात मान भी लूं कि अनुराग अंकल भक्षानर की पीढ़ी के हैं, क्योंकि उस कागज पर उन्होंने खुद अपने और चित्रा आंटी के नाम के साथ भक्षानर और महाडायन लिखा था। पर तुम ये बात किस बुनियाद पर कह सकती हो कि वो काले साये अनुराग अंकल का ही है? वहाँ उस कागज में तो उन्होंने कहीं भी काले साये का जिक्र तक नहीं किया था। डायना खामोश खड़ी रहती है क्योंकि उसके पास चटर्जी के सवाल का कोई जवाब नहीं था। कछुआ भी चटर्जी का साथ देते हुए बोल पड़ता है, हाँ डायना, मुझे भी नहीं लगता कि वो काला साया अनुराग अंकल का हो सकता है। अनुराग अंकल तो बहुत अच्छे इंसान थे, वो कभी हमारे साथ इतना बुरा नहीं कर सकते है। तुम जानती हो ना उस काले साया ने क्या नहीं किया है हमारे साथ? डायना पलटकर कुछ कहती है, उससे पहले ही बिंदु भी बोल पड़ती है, हाँ डायना, अनुराग अंकल कभी ऐसा नहीं कर सकते, मुझे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। डायना अपनी बात पर जोर देते हुए कहती है, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मेरी बात का यकीन करो, वो काला साया अनुराग अंकल का ही है। अब मैं तुम सबको कैसे यकीन दिलाऊं कि वो काला साया अनुराग अंकल का है? कोई भी डायना की ये वाली बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि वो काला साया अनुराग अंकल का हो सकता है। हर कोई डायना के इस बात के खिलाफ था। डायना की भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे साबित करे कि वो काला साया अनुराग ही है। हर कोई डायना की बात से असहमत था और उसे कुछ न कुछ बोलते जा रहा था, पर युग था कि वो अभी भी उस लॉकेट के अंदर ही एकटक नजर से देखे जा रहा था जो चित्रा का था। युग उस लॉकेट की तरफ खामोशी के साथ देख ही रहा था कि तभी उसकी आंखों में आंसुओं का एक सैलाब भरने लग जाता है, उसकी आंखें नम होने लग जाती हैं। देखते ही देखते युग की आंखों से ज्वालामुखी फटने लग जाता है और वो नम लहजे के साथ बोल पड़ता है, डायना सच बोल रही है, वो काला साया मेरे पापा ही है। जैसे युग ये बात बोलता है, सब लोग हैरानी के साथ उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। किसी ने भी नहीं सोचा था कि युग जो अपने पिता से इतना प्यार करता था, वो खुद अपने पिता के बारे में कभी ऐसा कहेगा। वो पिता जिसे वो अपना नायक समझता था, एक पल में उसे नायक से खलनायक बना देगा। सब लोग हैरानी के साथ युग की तरफ देखते रहते हैं। किसी की भी युग से कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं होती है। युग रोते हुए फिर बोल पड़ता है, माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी, पर मैं ही गलत था जो कभी उन्हें समझ नहीं पाया। माँ ने क्या नहीं किया मेरे लिए, यहाँ तक कि उन्होंने मेरे लिए अपनी जान तक दे दी, तब भी मैं उनका प्यार नहीं समझ पाया। मैं इतना बुरा कैसे हो सकता हूँ, कैसे? पापा ने धोखा दिया है मुझे, धोखा दिया है। इतना कहकर युग और कसकर रोने लग जाता है। किसी के भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से युग को वो क्या गया था। ऐसा क्या हुआ था कि वो अपने पिता को बुरा और माँ को अच्छा समझने लग गया था? एकदम से उसकी भावनाएं इतनी कैसे बदल गई थी? युग फिर रोते हुए बोल पड़ता है, माँ ने क्या नहीं किया मेरे लिए, वो मेरे भले के लिए मुझे छोड़कर गई थी, ना कि अपने स्वार्थ के लिए। स्वार्थी माँ नहीं, बल्कि मैं था जो कभी उनके प्यार को समझ नहीं पाया, हमेशा उन्हें कोसता रहता। मुझे तो लगा था कि उन्होंने मुझे पापा से दूर किया है, मुझे क्या पता था कि वो मुझे मेरे ही पापा से बचा रही थी, वरना पापा तो मुझे। इतना कहकर युग फिर रोने लग जाता है, अपनी बात ही पूरी नहीं करता है। युग को इस तरह बच्चे की तरह बिलक बिलक कर रोते देख यामिनी की आंखें भी नम हो जाती है। वो तुरंत युग के पास जाती है और उसके कंधों को छूते हुए रोते हुए बोल पड़ती है, हुआ क्या है युग बाबू, आप ऐसे क्यों रो रहे हैं, बताइए मुझे युग बाबू। युग रोते हुए ही खुद से बड़बड़ाते हुए बोल पड़ता है, मुझे सब पता चल गया यामिनी, मुझे सब पता चल गया। यामिनी फिर युग से पूछ पड़ती है, क्या पता चल गया आपको युग बाबू? युग पलट कर जवाब देता है, यही कि कौन अपने के रूप में पराया था और कौन पराये के रूप में अपना यामिनी। यामिनी हैरानी के साथ युग से पूछती है, आप क्या कह रहे हैं युग बाबू, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। युग अपने हाथ का लॉकेट यामिनी को दिखाते हुए कहता है, ये लॉकेट देख रही हो यामिनी, ये सिर्फ लॉकेट नहीं है, इसमें यादें हैं, माँ की यादें, वो यादें जो उन्होंने सिर्फ मेरे लिए संभाल कर रखी ताकि मैं सब कुछ जान पाऊँ। यामिनी तुरंत उस लॉकेट की तरफ देखती है, पर उसे उस लॉकेट में युग और चित्रा की तस्वीर पर बस पानी की एक बूंद नजर आती है, उसके सिवा कुछ और नजर नहीं आता है। सिर्फ यामिनी को ही नहीं, बाकी सबको भी वही चीज दिखाई देती है जो यामिनी को दी थी। युग उस लॉकेट को फिर से देखने लग जाता है और उस लॉकेट को देखते हुए ही वो अपनी जिंदगी के 5 मिनट पीछे चला जाता है, जब उसका आंसू उस लॉकेट के अंदर गिर चुका था, और जब वो लॉकेट बंद कर रहा था तो उसे एहसास हुआ था कि उस लॉकेट में जान आई हो, वो दिल की तरह धड़का हो, जिस कारण युग फिर से उस लॉकेट को खोलने लग जाता है। इस बार जब युग लॉकेट खोलता है तो देखता है कि उस लॉकेट के अंदर से उसकी और चित्रा की तस्वीर गायब हो चुकी थी जो वहां पर पहले मौजूद थी। युग मन ही मन सोचने लग जाता है, ये क्या,
मेरी और माँ की तस्वीर कहाँ चली गई? अभी तो यहीं पर थी। यूँ किसके आगे कुछ और सोच पाता उससे पहले उस लॉकेट के अंदर जो उसकी आंसू की बूंद थी वो पहले से ही लॉकेट के अंदर मौजूद पानी की बूंद से जाकर मिल जाती है और उन दोनों के मिलते ही उस पानी की बूंद में मूवमेंट होने लग जाता है। वो दोनों पानी की बूंद गोल गोल घूमने लग जाते हैं। देखते ही देखते युग को उस पानी की बूंद में चित्रा का चेहरा नजर आने लग जाता है। जैसे युग को उस लॉकेट के अंदर चित्रा का चेहरा नजर आता है युग के मुंह से खुद ब खुद निकल पड़ता है, माँ माँ लफ्ज बोलकर युग एकदम चुप हो जाता है। उसके आगे कुछ नहीं बोलता है। युग एकटक नजर से लॉकेट के अंदर दिखते चित्रा के चेहरे को देख ही रहा था कि देखते ही देखते चित्रा उससे बात करने लग जाती है। मेरा युग बेटा। जैसे युग चित्रा के मुंह से ये बात सुनता है एक पल के लिए उसके दिल की धड़कन थम सी जाती है। वो इतना ज्यादा भावुक हो जाता है कि करुणा के कारण कुछ बोल ही नहीं पाता है। बस युग ही चित्रा की आवाज सुन पा रहा था। बाकी सबका ध्यान डायना की कहानी सुनने में था। वो सब डायना की कहानी सुन रहे थे और उससे सवाल जवाब कर रहे थे। चित्रा फिर युग से कहती है, मेरे युग बेटे ये लॉकेट मैं तुम्हारे लिए छोड़कर जा रही हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना जब मैं तुमसे मिलूंगी तब तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगी, तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। पर अब हालात ऐसे हो गए कि मुझे नहीं पता कि मैं अब तुमसे कभी मिल भी पाऊंगी या नहीं। पर मैंने तुमसे वादा किया था तुम्हें सब कुछ बताने का और वही वादा मैं पूरा करने जा रही हूँ इन आंसुओं के जरिए। ये कोई मामूली आंसू नहीं है, एक महाडायन के आंसू है। मैं जानती हूँ ये बात सुनकर तुम्हारे दिल को बहुत बड़ा झटका लगा होगा कि तुम्हारी माँ आखिर महाडायन कैसे हो सकती है, पर यही सच है मेरे युग बेटे। तुम्हारी माँ एक महाडायन है और इस लॉकेट के अंदर उसी महाडायन के आंसू है और अब यही आंसू तुम्हें मेरी जिंदगी की दास्तां सुनाएंगे। इन आंसुओं से मेरी जिंदगी की वो यादें हैं जिसे मैंने तुम्हारे लिए संभाल कर रखी है ताकि तुम अपनी माँ की दास्तां जान सको। मुझे नहीं पता जब तुम्हें ये लॉकेट मिलेगा तब मैं जिंदा रहूंगी या मर जाऊंगी। मैं जिंदा ना भी रहूं तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा क्योंकि आधी तो मैं उसी वक्त मर गई थी जब मुझे तुमसे अलग होना पड़ा था। पर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जो नफरत भरी है उसे मैं मिटाना चाहती हूँ, इसलिए अपने आंसू के जरिए अपनी यादें मैं तुम्हारे लिए छोड़ कर जा रही हूँ। ये मेरी कहानी है, एक बच्ची की डायन बनने की कहानी, एक डायन की लड़की बनने की कहानी, एक लड़की की माँ बनने की कहानी और एक माँ के महाडायन बनने की कहानी। चित्रा की बात जैसे ही खत्म होती है युग नोटिस करता है कि लॉकेट के अंदर मौजूद पानी की बूंद के अंदर फिर से मूवमेंट होने लग गया था। देखते ही देखते चित्रा का चेहरा आंसू की बूंद में से गायब होने लग जाता है और आंसू की बूंद के अंदर युग को कुछ और ही दिखाई देने लग जाता है। युग देखता है कि उसके सामने हॉस्पिटल का एक कमरा था जो ऑपरेशन रूम की तरह लग रहा था। उसी ऑपरेशन रूम में एक औरत बेड पर लेटी हुई थी जो कि गर्भवती थी। वो औरत दर्द से तड़प रही थी क्योंकि वो अपनी प्रसव अवस्था में थी। उसके आसपास नर्स और डॉक्टर खड़े हुए थे। वो औरत दर्द से कराही जा रही थी। उस औरत की आंखें हूबहू चित्रा की तरह थी पर चेहरा चित्रा की तरह नहीं था, वो चित्रा से अलग था। वो औरत इतना ज्यादा दर्द से तड़प रही थी कि उसके चीखने की आवाज बाहर ऑपरेशन रूम तक जा रही थी और ऑपरेशन रूम के बाहर ही एक आदमी बड़ी टेंशन में नजर आ रहा था। उसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि अंदर जो औरत अपनी प्रसव अवस्था में थी वो उसका पति था। इसी कारण एक पल के लिए भी वो बैठ नहीं रहा था, बार बार ऑपरेशन रूम के दरवाजे के सामने टहल रहा था। उसकी बेचैनी उसे देखते से ही साफ समझ में आ रही थी। हॉस्पिटल के बाहर आसमान को काले बादलों ने ढक कर रखा हुआ था, चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। आधी रात में हॉस्पिटल के बाहर कोई इंसान तो नजर नहीं आ रहा था पर हॉस्पिटल के चारों तरफ ढेर सारी बिल्लियों का झमघट लगा हुआ था। जिस तरफ नजर जा रही थी बिल्लियां नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे शहर की सारी बिल्लियां हॉस्पिटल के चारों तरफ जमा हो गई हैं। वो सारी बिल्लियां भी अपनी नजर हॉस्पिटल की तरफ जमाए हुए थी जैसे वो बिल्लियां भी अंदर मौजूद आदमी की तरफ बेचैन हो। ऑपरेशन रूम के अंदर डॉक्टर अपना पूरा प्रयास कर रहे थे बच्चे को सही सलामत उसकी माँ की कोख से निकालने की। नर्स दर्द से तड़पती हुई औरत को हौसला देते हुए कहती है, बस हिम्मत बनाए रखो बहन, बस थोड़ी देर और। उस औरत को देखकर साफ समझ आ रहा था कि उसने अपने बदन की सारी जान लगा दी थी अपने बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए। एक माँ अपनी जान को दांव पर लगा देती है अपनी संतान को जन्म देने के लिए और इस औरत ने भी यही किया था। देखते ही देखते डॉक्टर के चेहरे पर रौनक आने लग जाती है क्योंकि उस औरत की प्रसव अवस्था खत्म हो चुकी थी और उसकी संतान डॉक्टर के हाथ में थी। उस औरत ने एक लड़की को जन्म दिया था। जब युग उस लड़की का चेहरा देखता है तो वो उसे पहचान जाता है। वो जान जाता है कि यही बच्ची उसकी माँ थी चित्रा। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी।
जब युग उस लड़की का चेहरा देखता है तो वो उसे पहचान जाता है। वो जान जाता है यही बच्ची उसकी माँ थी चित्रा। डॉक्टर के चेहरे पर जो रौनक बच्ची को अपने हाथ में पकड़ कर आई थी वो जाने लग जाती है। अचानक से डॉक्टर के चेहरे पर टेंशन नजर आने लग जाती है। डॉक्टर का चेहरा मायूस होने लग जाता है। सिर्फ डॉक्टर का ही नहीं, उसके आसपास जो बाकी का स्टाफ था, नर्स थी, वो भी मायूस हो जाते हैं। उनके चेहरे पर भी टेंशन नजर आने लग जाती है। डॉक्टर देखते हैं कि वो बच्ची जो अभी अभी जन्मी थी वो रो नहीं रही थी, ना ही उसके दिल की धड़कन चल रही थी, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो बच्ची मरी हुई पैदा हुई थी। डॉक्टर परेशान होते हुए मन ही मन खुद से बड़बड़ाते हैं, इसके दिल की धड़कन क्यों नहीं चल रही है। डॉक्टर को इस तरह परेशान देखकर बेड पर जो औरत लेटी हुई थी वो टेंशन में आ जाती है। वो समझ जाती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ थी, तभी ऑपरेशन रूम के अंदर सभी लोग इतने टेंशन में नजर आ रहे थे। वो औरत जो अभी अभी अपनी प्रसव अवस्था से गुजरी थी वो अपना दर्द भूल जाती है और अपनी बच्ची की फिक्र करते हुए तुरंत डॉक्टर से पूछ पड़ती है, मेरी बच्ची कैसी है डॉक्टर? डॉक्टर के समझ ही नहीं आता है कि वो किस मुंह से बताए कि उसने जिस बच्ची को जन्मा है वो मरी हुई है, उसके दिल की धड़कन नहीं चल रही है। डॉक्टर को इस तरह चुप देखकर वो औरत और ज्यादा टेंशन में आ जाती है। वो औरत तुरंत हड़बड़ाहट के साथ फिर डॉक्टर से पूछ पड़ती है, आप चुप क्यों है डॉक्टर, बताइए ना कैसी है मेरी बच्ची, वो ठीक तो है ना? डॉक्टर अभी भी कुछ जवाब नहीं देते हैं, मृत बच्ची की तरफ देखते रहते हैं। इस तरह ऑपरेशन रूम के बाहर ही उस औरत के पति की टेंशन और ज्यादा बढ़ गई थी। वो आदमी ऑपरेशन रूम के दरवाजे के बाहर वहां पर बार बार टहल ही रहा था कि तभी ऑपरेशन रूम के अंदर से नर्स बाहर आती है। जैसे ही नर्स बाहर आती है वो आदमी हड़बड़ाहट के साथ उस नर्स से पूछ पड़ता है, नर्स मेरी पत्नी कैसी है, वो ठीक है ना? नर्स बिना उस आदमी के सवाल का कुछ जवाब दिए फुर्ती के साथ वहां से जाने लग जाती है। उस आदमी को लगता है कि डॉक्टर ने नर्स को कुछ जरूरी सामान लाने के लिए भेजा होगा जो ऑपरेशन रूम के अंदर लग रहा होगा, इसी वजह से वो आदमी नर्स को रोकता नहीं है, उसे वहां से जाने देता है। उस नर्स को बिना उसके सवाल का कोई जवाब दिए इस तरह वहां से जाते देख उस आदमी की टेंशन और ज्यादा बढ़ जाती है। वो समझ जाता है कि ऑपरेशन रूम के अंदर के हालात नॉर्मल नहीं थे। यही सब सोचते हुए अभी उस आदमी ने फिर से ऑपरेशन रूम के बाहर टहलना शुरू ही किया था कि तभी उसकी नजर उसके सामने मौजूद हॉस्पिटल की खिड़की पर पड़ती है। जैसे ही वो आदमी खिड़की की तरफ देखता है उसकी टेंशन और ज्यादा बढ़ जाती है, वो और ज्यादा घबराने लग जाता है। वो मूर्ति बनकर वहीं खड़ा हो जाता है, टहलना बंद कर देता है। उसकी नजरें हॉस्पिटल की खिड़की पर टिक गई थी। हॉस्पिटल की कांच वाली खिड़की पर कई सारी बिल्लियां मौजूद थी जो हॉस्पिटल के अंदर की तरफ ही झांक रही थी, एकटक नजर से उसी तरफ देख रही थी। वो बिल्लियां एक के ऊपर एक चढ़ी हुई थी जिस कारण उन बिल्लियों ने पूरी खिड़की को कवर कर लिया था। और ये हाल सिर्फ ऑपरेशन रूम के पास जो खिड़की थी उसका नहीं था, बल्कि हॉस्पिटल की सारी खिड़कियों का था। हॉस्पिटल के मुख्य दरवाजे की तरह ही सारी बिल्लियों ने हॉस्पिटल की खिड़कियों पर अपना डेरा डाल लिया था। वो आदमी परेशान होते हुए उन बिल्लियों को देखते हुए मन में सोचता है, ये सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इन्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, इन्हें कैसे पता कि हम यहाँ पर हैं? इस तरफ ऑपरेशन रूम के अंदर उस औरत की घबराहट और ज्यादा बढ़ गई थी। वो बार बार डॉक्टर और बाकी हॉस्पिटल स्टाफ से पूछ रही थी कि मेरी बच्ची कैसी है, पर कोई भी उसके सवाल का कुछ जवाब नहीं दे रहा था। डॉक्टर ये बात अच्छे से जानते थे कि वो औरत अभी इस हालत में नहीं थी कि उसे सच्चाई बताई जा सके। डॉक्टर ने उस नवजात बच्ची को मृत घोषित कर दिया था और उस बच्ची को नर्स के हाथ में दे दिया था। वो औरत रोते हुए बड़ी उम्मीदों के साथ डॉक्टर से फिर एक बार पूछ पड़ती है, आप ऐसे चुप क्यों है डॉक्टर, बोलिए ना मेरी बच्ची कैसी है, मुझे उसे देखना है। डॉक्टर तो चुप ही रहते हैं, पर वो नर्स जिसके हाथ में उस औरत की बच्ची थी उससे उस औरत का दर्द देखा नहीं जाता है। वो कैसे चुप रह सकती थी, आखिर वो भी एक औरत थी और एक औरत का दर्द बस एक औरत ही समझ सकती है। वो नर्स तुरंत बोल पड़ती है, तुम्हारी बच्ची मर। वो नर्स इसके आगे कुछ कहती है उससे पहले ही ऑपरेशन रूम की लाइट चली जाती है। सिर्फ ऑपरेशन रूम की नहीं, पूरे हॉस्पिटल की लाइट चली जाती है। डॉक्टर परेशान होते हुए कहता है, ये लाइट को क्या हुआ, ये कैसे चली गई, यहाँ की तो लाइट कभी नहीं जाती है। डॉक्टर एक दो मिनट इंतजार करता है पर फिर भी लाइट नहीं आती है। ऑपरेशन रूम के अंदर अंधेरा छाया रहता है। डॉक्टर खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, अभी तक तो जनरेटर को ऑन हो जाना चाहिए था, वो अभी तक ऑन क्यों नहीं हुआ,
अचानक से अंधेरा होने से ऑपरेशन रूम के अंदर अफरा तफरी मच जाती है। सिर्फ ऑपरेशन रूम के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच जाती है। वो आदमी जो ऑपरेशन रूम के बाहर खड़ा हुआ था, एकदम से अंधेरा होने से वो और ज्यादा परेशान हो जाता है। अंधेरा होने से खिड़की पर जो बिल्लियां मौजूद थी उनकी आंखें अंधेरे में पीले रंग में चमकने लग जाती है। खिड़की पर ढेर सारी बिल्लियों की सिर्फ आंखें नजर आ रही थी, उनका शरीर नजर नहीं आ रहा था। वो बिल्लियां अभी भी एकटक नजर से हॉस्पिटल के अंदर देखने में ही लगी हुई थी। वो आदमी भी उन बिल्लियों को ही देखे जा रहा था। उसके मन से एक पल के लिए अपनी पत्नी का ख्याल निकल सा गया था। इस तरफ ऑपरेशन रूम के अंदर वो नर्स नवजात बच्ची को अपनी गोद में लेकर खड़ी ही हुई थी। वो नर्स अभी भी साफ साफ महसूस कर रही थी कि उस बच्ची की धड़कन नहीं चल रही थी, वो मृत थी। प्रसव अवस्था से निकली उस औरत की परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है। उसे अपनी बच्ची की फिक्र और ज्यादा सताने लग गई थी। नर्स मन ही मन खुद से बड़बड़ा पड़ती है कि आज हो क्या रहा है, पहले बच्ची का मृत पैदा होना और फिर लाइट का इस तरह चले जाना। यहाँ की लाइट तो कभी नहीं जाती है। ऑपरेशन रूम के अंदर एकदम से सन्नाटा छा गया था। किसी की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। ऑपरेशन रूम के अंदर सन्नाटा छाया हुआ था कि तभी उसे एक बिल्ली के रोने की आवाज सुनाई देने लग जाती है। पहले तो उस बिल्ली की आवाज एकदम धीमी ही रहती है, पर देखते ही देखते उस बिल्ली की आवाज बढ़ने लग जाती है। उस बिल्ली की आवाज पूरे ऑपरेशन रूम के अंदर गूंजने लग जाती है। वो नर्स घबराते हुए कहती है, ये बिल्ली की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? बिल्ली के रोने की आवाज सुनकर उस औरत का ध्यान भी अपनी बच्ची पर से हट गया था। उसकी घबराहट और ज्यादा बढ़ने लग गई थी। अगले ही पल और बिल्लियों के रोने की आवाजें सुनाई देने लग जाती है, जैसे एक साथ कई सारी बिल्लियां रो रही हो। वो नर्स घबराते हुए कहती है, ये इतनी सारी बिल्लियां क्यों रो रही हैं? बिल्ली का रोना तो बहुत अशुभ होता है। ये भगवान की हो क्या रहा है? ऑपरेशन रूम बिल्लियों के रोने की आवाज से गूंजने लग गया था। इतनी सारी बिल्लियों के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। सिर्फ ऑपरेशन रूम ही नहीं बल्कि पूरा हॉस्पिटल बिल्लियों के रोने की आवाज से गूंज उठा था। हॉस्पिटल का हर एक कमरा बिल्लियों के रोने की आवाज सुनकर ऑपरेशन रूम के बाहर मौजूद आदमी का गुस्सा बढ़ने लग जाता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल करके रखा हो। खिड़कियों पर जो बिल्लियां बैठी हुई थी वही कस कस कर रोए जा रही थी। वो आदमी उन रोती हुई बिल्लियों को देखते हुए गुस्से के साथ खुद से बोल पड़ता है, बस बहुत हुआ, अब और नहीं। इतना कहकर वो आदमी अपने कदम बढ़ाने लग जाता है। वो हॉस्पिटल के बाहर की तरफ जाने लग जाता है। वो आदमी कुछ इस तरह चल रहा था कि उसे अंधेरे में भी सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था, जैसे वो अंधेरे में भी सब कुछ देख पा रहा हो। उसे अच्छे से पता हो कि किस तरफ कौन सा कमरा है, कहां पर कौन सी सीढ़ियां। जैसे जैसे वो आदमी हॉस्पिटल के बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ाते जा रहा था, बिल्लियों के रोने की आवाजें और तेज होते जा रही थी। जब वो आदमी हॉस्पिटल के दरवाजे के पास पहुंचता है तो देखता है कि हॉस्पिटल के बाहर ढेर सारी बिल्लियां मौजूद थी जो रोते जा रही थी। वो आदमी हॉस्पिटल के बाहर कदम रख ही रहा था कि उसी वक्त उसे बिल्लियों के रोने की आवाज के साथ एक और आवाज सुनाई देती है, और वो आवाज एक बच्ची के रोने की थी। और ये आवाज कहीं और से नहीं बल्कि ऑपरेशन रूम के अंदर से आ रही थी। उस मृत बच्ची ने रोना शुरू कर दिया था और वो बच्ची इतनी कसकर रो रही थी कि उसकी आवाज हॉस्पिटल के बाहर तक आ रही थी। उस बच्ची के रोने की आवाज सुनकर वो आदमी समझ गया था कि उसकी संतान इस दुनिया में आ चुकी थी, क्योंकि उस बच्ची की आवाज उसकी पत्नी की तरह ही थी। जैसे ही वो बच्ची रोना शुरू करती है, हॉस्पिटल के अंदर लाइट वापस आ जाती है। और जब वो नर्स देखती है कि उसकी बच्ची ने रोना शुरू कर दिया है, उसके दिल की धड़कन चलने लगी है, तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। वो नर्स हड़बड़ाहट के साथ डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर डॉक्टर ये देखिए ये बच्ची। इतना कहकर नर्स खुद चुप हो जाती है। डॉक्टर तुरंत उस नर्स के हाथ से उस बच्ची को लेते हैं और जब उसे जिंदा देखते हैं तो उसे भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। डॉक्टर उस बच्ची को एकटक देखते हुए कहते हैं, ये तो भगवान का करिश्मा है। बिल्लियों का रोना इंसानों के लिए अशुभ होता है, पर डायनों के लिए नहीं, डायनों के लिए बिल्लियों का रोना शुभ होता है। वो औरत फिर घबराते हुए बोल पड़ती है, मेरी बच्ची कैसी है डॉक्टर साहब, वो ठीक तो है ना? डॉक्टर मुस्कुराते हुए उस औरत से कहते हैं, तुम्हारी बच्ची बिल्कुल ठीक है, उसे कभी कुछ हो ही नहीं सकता। तुम्हें नहीं पता पर तुम्हारी बच्ची मौत से लड़कर आई है, और जो मौत से लड़कर आता है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। उस औरत को डॉक्टर की बातें बिल्कुल समझ नहीं आती है। वो तो सब यही सुनकर खुश थी कि उसकी बच्ची सही सलामत थी। इस तरफ जब वो आदमी हॉस्पिटल के बाहर निकलता है
तो बच्ची के रोने की आवाज आनी बंद हो जाती है। और जैसे ही बच्ची के रोने की आवाज बंद होती है, बिल्लियां भी रोना बंद कर देती है। वो आदमी जब बाहर निकलता है तो देखता है कि वहां पर सिर्फ बिल्लियां ही मौजूद नहीं थी, बल्कि आसमान के ऊपर कई सारे चमगादड़ भी उड़ रहे थे। चमगादड़ों ने भी पूरे हॉस्पिटल को चारों तरफ से घेर कर रखा हुआ था, जो उसके आसपास ही मंडराए जा रहे थे। उस आदमी के बाहर निकलते ही चमगादड़ उड़ना बंद कर देते हैं और बिल्लियों के पास आकर रुक जाते हैं। वो सारी बिल्लियां और चमगादड़ उस आदमी की तरफ ही देख रहे हैं। उन सारी बिल्लियों में एक सुनहरे रंग की बिल्ली थी जो उन सब में सबसे अलग थी और वही सबसे आगे थी, जैसे वो उन सारी बिल्लियों की लीडर हो। वो आदमी पहले तो उनको शांति के साथ देखते रहता है, पर फिर वो खुद उस सुनहरी बिल्ली की तरफ देखते हुए बोल पड़ता है, मुझे पता है आप सब यहाँ पर क्यों आए हैं, पर हम दोनों आप सबसे पहले ही कह चुके हैं हम वापस नहीं जाना चाहते हैं। मैंने और मेरी पत्नी ने एक नई जिंदगी शुरू कर दी है और हम इस जिंदगी में बहुत खुश हैं। वो सारी बिल्लियां और चमगादड़ एकटक नजर से उस आदमी की तरफ ही एक उम्मीद के साथ देखते रहते हैं, जैसे वो उससे कुछ कहना चाहते हो। वो आदमी फिर बोल पड़ता है, वो रात हम सबकी जिंदगी की काली रात थी और उसके बाद से ही सब कुछ बदल चुका है। मैं चाहता हूँ कि आप सब भी उस रात को भूल जाएं और एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। मुझे, मेरी पत्नी और मेरी औलाद को अकेला छोड़ दीजिए, दूर रहिए हमसे। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। वो रात हम सबकी जिंदगी की काली रात थी और उसके बाद ही से सब कुछ बदल चुका है। मैं चाहता हूँ कि आप सब भी उस रात को भूल जाएं और एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। मुझे, मेरी पत्नी और मेरी औलाद को अकेला छोड़ दीजिए, दूर रहिए हमसे। वो सब बिल्लियां और चमगादड़ शांति के साथ उस आदमी की सारी बातें सुनते रहते हैं, उनमें जरा सी भी हलचल नहीं होती है। वो आदमी अपने हाथ जोड़ते हुए नम लहजे के साथ कहता है, प्लीज चले जाइए यहाँ से और फिर दोबारा कभी मत आइएगा, मैं अपनी औलाद को इन सब चीजों से दूर रखना चाहता हूँ। इतना कहकर वो आदमी खामोश हो जाता है। उस आदमी की बात सुनकर सारी बिल्लियों और चमगादड़ों की आंखें नम हो जाती है। वो सुनहरी बिल्ली उस आदमी को देखते हुए हाँ में अपना सिर हिलाने लग जाती है, जैसे वो उस आदमी को संकेत दे रही हो कि वो उसकी बात मानने के लिए तैयार है। वो सुनहरी बिल्ली पीछे पलट जाती है और उसके पीछे पलटते ही एक एक करके सारी बिल्लियां पीछे पलटने लग जाती हैं। देखते ही देखते वो बिल्लियां वहां से जाने लग जाती हैं और उनके जाते ही सारे चमगादड़ भी एक एक करके वहां से उड़ते हुए जाने लग जाते हैं। सारी बिल्लियों और चमगादड़ के जाते ही वो आदमी भी वापस से हॉस्पिटल के अंदर घुस जाता है। कुछ देर बाद वो औरत जिसने कुछ देर पहले ही अपनी बच्ची को जन्म दिया था, वो बेड पर लेटी हुई थी और उसके बगल में ही उसका नवजात शिशु था जिसे वो बड़े प्यार से देखे जा रही थी। वो अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश थी। खुश होती भी कैसे नहीं, आखिर वो उसकी औलाद थी, वो औलाद जिसको जन्म देने के लिए उसने अपार पीड़ा सही थी। पर अब उस बच्ची का चेहरा देखकर वो अपनी सारी पीड़ा भूल चुकी थी और उसे प्यार करने में लगी हुई थी। वो औरत उस बच्ची को प्यार से देख ही रही थी कि उस कैबिन के अंदर उसका पति आ जाता है, वही आदमी जो बिल्लियों से बात करने के लिए कुछ देर पहले बाहर गया था। वो आदमी धीरे से उस औरत के पास आता है और उसके माथे पर हाथ फेरते हुए बड़े प्यार से पूछता है, तुम ठीक हो ना डायंतिका? डायंतिका अपने पति को जवाब देते हुए उतने ही प्यार से कहती है, मैं ठीक हूँ निशाज, मुझे कुछ हो सकता है कि आपके होते हुए? निशाज शांति के साथ वहां पर खड़ा रहता है, कुछ नहीं कहता है। डायंतिका अपनी बच्ची की तरफ देखते हुए कहती है, मैं भी ठीक हूँ निशाज और हमारी बच्ची भी बिल्कुल ठीक है, तुम एक लड़की के बाप बन गए हो। जब निशाज की नजर उसकी बच्ची पर पड़ती है तो उसका मन पुलकित हो जाता है। उसकी खुशी उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर ही समझ में आ रही थी। निशाज उसी वक्त डायंतिका के बगल में से अपनी बच्ची को उठाता है और उसे अपनी गोद में ले लेता है। निशाज अपनी बच्ची को प्यार से पुचकारने लग जाता है, उसे लाड दुलार करने लग जाता है। निशाज अपनी बच्ची को देखते हुए बड़े प्यार से डायंतिका से कहता है, देखा डायंतिका, मैंने कहा था ना तुमसे कि हमें एक लड़की ही होगी, देखो ऊपर वाले ने हमारे घर एक लक्ष्मी को भेजा है। डायंतिका पलट कर कहती है, निशाज तुम कभी कुछ गलत बोल सकते हो क्या? आज तक वही तो हुआ है जो तुमने कहा है, तुम तो अंतर्यामी हो। निशाज अपनी बच्ची की तरफ देखते हुए डायंतिका से कहता है, तुम्हें पता है डायंतिका, इसकी आंखें ना पूरी तुम पर गई है। डायंतिका पलट कर कहती है, नहीं निशाज, इसकी आंखें मुझ पर नहीं तुम पर गई है, अपने पिता पर। निशाज कहता है, नहीं डायंतिका,
इसकी आंखें और आवाज दोनों तुम पर गई है। जब ये रो रही थी ना, तो मैं तो नीचे इसकी आवाज सुनकर ही समझ गया था कि हमारी संतान इस दुनिया में आ गई है। जैसे निशाच ये बात बोलता है, डायंतिका के चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लग जाते हैं। थोड़ी देर पहले जो उसके चेहरे पर खुशी आई थी वो गायब होने लग जाती है। डायंतिका निशाच से पूछती है, वो बिल्ली की आवाज है निशाच? इतना कहकर डायंतिका खुद चुप हो जाती है। वो अपनी बात ही पूरी नहीं करती है, पर निशाच समझ गया था कि डायंतिका इसके आगे क्या कहने वाली थी। उस बात के बारे में सोचकर ही निशाच के चेहरे के एक्सप्रेशन भी बदलने लग जाते हैं। डायंतिका हिचकिचाहट के साथ हिम्मत करते हुए फिर निशाच से बोल पड़ती है, क्या वो आए थे निशाच? निशाच खामोशी के साथ खड़ा रहता है, डायंतिका के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता है। डायंतिका निशाच पर दबाव बनाते हुए फिर उससे पूछ पड़ती है, बोलो निशाच, क्या वो आए थे? निशाच हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ डायंतिका, वो आए थे। जैसे ही डायंतिका निशाच के मुंह से ये बात सुनती है, उसकी घबराहट और ज्यादा बढ़ जाती है। डायंतिका की ये घबराहट निशाच उसे देखते ही समझ जाता है और वो हड़बड़ाहट के साथ डायंतिका से बोल पड़ता है, पर अब घबराने वाली कोई बात नहीं है डायंतिका, मैंने उन्हें समझा दिया है और वो यहाँ से जा चुके हैं। डायंतिका घबराते हुए फिर बोल पड़ती है, पर उन्हें कैसे पता निशाच कि हम यहाँ हैं? उस काली रात सब कुछ खत्म होने के साथ ही हम तो हमारे सारे निशान मिटा कर आ गए थे वहां से। निशाच डायंतिका की बात का पलट कर जवाब देते हुए कहता है, हम तो सारे निशान मिटा कर आ गए थे डायंतिका, पर अतीत के कुछ निशान मिटकर भी नहीं मिटते हैं, एक न एक दिन उनका आमना सामना हो ही जाता है। निशाच अपनी बात पूरी करते हुए डायंतिका की आंखों में देखते हुए कहता है, और तुम्हें अच्छे से पता है वो कौन है, हम कहीं भी रहे वो हमें बड़ी आसानी से खोज सकते हैं। डायंतिका डरते हुए कहती है, इसका मतलब वो सब वापस आएंगे और फिर हमें? निशाच डायंतिका से कहता है, नहीं डायंतिका, वो सब वापस नहीं आने वाले, मैंने कहा ना तुमसे, मैंने उन्हें अच्छे से समझा दिया है और वो अब कभी वापस लौट कर नहीं आएंगे। डायंतिका घबराते हुए कहती है, पर अगर वो वापस आ गए तो? डायंतिका की ये बात सुनकर निशाच को गुस्सा आ जाता है। निशाच के कान एक आम इंसान से कुछ ज्यादा ही बड़े थे, जिस कारण उसे देखते ही किसी का भी ध्यान उसके कान को बड़ी आसानी से नोटिस कर सकता है। गुस्सा होने के कारण निशाच के कान लाल होने लग गए थे, ऐसा लग रहा था उसके पूरे बदन का खून उसके दोनों कानों में समाने लग गया था। निशाच गुस्से के साथ ही पलट कर डायंतिका को जवाब देता है, अगर वो लोग वापस आ गए तो फिर वो लोग अच्छे से जानते हैं उनका क्या हश्र होगा, मैंने शिकार करना छोड़ा है, शिकार करना भूला नहीं हूँ। डायंतिका पलट कर कुछ जवाब नहीं देती है, अपनी बच्ची की तरफ ही देखते रहती है। निशाच भी अपने गुस्से पर काबू करते हुए डायंतिका को समझाते हुए कहते हैं, डायंतिका तुम भी ये क्या बातें लेकर बैठी हुई हो, छोड़ो ये सब, आज तो खुशी का मौका है, हमें ये सब बातें नहीं करना चाहिए, अपनी बच्ची के बारे में सोचना चाहिए, उसके आने वाले भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। डायंतिका को भी निशाच की बातें बिल्कुल ठीक लगने लग जाती है। डायंतिका निशाच की तरफ देखते हुए उससे कहती है, तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो निशाच, हमें ये सब बातें भूलकर अपनी बेटी के बारे में सोचना चाहिए, उसके आने वाले भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। जिस तरह हमारा अतीत काले साए में डूबा हुआ है, उसी तरह उसका भविष्य काले साए से लिपटा हुआ नहीं होना चाहिए। निशाच पर डायंतिका की बात से पूरी तरह सहमत होते हुए कहता है, तुमने सही कहा डायंतिका, हम इस बात का पूरी तरह ख्याल रखेंगे कि हमारी बेटी को कभी हमारे अतीत के बारे में पता न चले, और इस बात का भी उसे कभी पता न चले कि वो आखिर है कौन। डायंतिका भी निशाच का साथ देते हुए बोल पड़ती है, हम उस पर कभी हमारे अतीत की परछाई तक नहीं पड़ने देंगे, दूर रखेंगे उसे इन सब चीजों से। निशाच अपनी बेटी की तरफ देखते हुए कहता है, हम इसका नाम चित्रा रखेंगे, वो चित्रा जो अपनी कला से सब कुछ बदल कर रख देगी, हमारा अतीत भी और हमारा भविष्य भी। डायंतिका मुस्कुराते हुए कहती है, बहुत अच्छा नाम सोचा है निशाच तुमने, हमारी बेटी को आज से हम चित्रा कहकर पुकारेंगे, हमारी बेटी चित्रा। डायंतिका की बात कहते ही निशाच अपनी बच्ची को डायंतिका के पास लेकर जाता है और उसके गले मिल जाता है। डायंतिका भी निशाच के करीब आ जाती है। युग लॉकेट के अंदर ये सब देख ही रहा था कि तभी आंसू की बूंद में से फिर से हलचल होने लग जाती है, और देखते ही देखते उसे डायंतिका, निशाच और चित्रा तीनों का चेहरा धुंधला धुंधला नजर आने लग जाता है। आंसू की बूंद की हलचल तेज हो गई थी। युग को फिर से चित्रा का चेहरा नजर आने लग जाता है, वही चित्रा जो उससे बात कर रही थी। चित्रा युग से कहती है, युग बेटा मेरी इस याद से तुम्हें ये तो पता चल ही गया होगा कि तुम्हारी माँ किन हालातों में पैदा हुई थी। तुम्हारी माँ जो मरी हुई पैदा हुई थी, बिल्लियों के रोने से एक बार फिर जी उठी थी। मेरे माता पिता ने भले ही सोच कर रखा हुआ था कि कभी भी मुझ पर उनके अतीत का साया तक नहीं पड़ने देंगे, सब कुछ मुझसे छुपा कर रखेंगे, पर कहते हैं ना, आप अपने अतीत को कितना भी छुपाने की कोशिश करो,
एक ना एक दिन वो आपके सामने आ ही जाता है। आप अपना भविष्य तो बदल सकते हैं पर आपका अतीत नहीं। युग बड़े गौर से चित्रा की सारी बातें सुनता रहता है, लॉकेट के अंदर ही देखते रहता है। चित्रा फिर बोल पड़ती है, मेरी माँ मुझे बताती थी कि बचपन में जब पहली बार मेरा मुंडन किया गया था उस वक्त पूरे एक महीने तक मैं बीमार रही थी। तब तक जब तक मेरे नए बाल आने शुरू नहीं हो गए थे मैं बीमार होती भी कैसे नहीं। आखिर मैं डायन जो थी और डायन के बाल काटने से वो कमजोर होती है और मेरा भी कमजोर पड़ना जायज था। उसके बाद माँ ने 7 साल तक मेरे बाल नहीं काटे पर मेरे बाल मुझसे ज्यादा लंबे हो चुके थे, जिस पर मेरे माता पिता का ध्यान तो नहीं गया पर आस पड़ोस में रहने वालों का चला गया था। उसी वजह से एक बार फिर मेरी माँ ने मेरे बाल काटे पर बाल काटते ही अगले ही दिन मेरी तबीयत फिर खराब हुई। और उससे भी हैरान करने वाली बात ये थी कि जितने बाल मेरी माँ ने पिछली रात को काटे थे उतने ही बाल अगली सुबह वापस आ गए थे। उसके बाद फिर कभी मेरी माँ ने बाल नहीं काटे, बस कहा कि उनका जोड़ा बनाकर रखा करूँ, साथ में स्कार्फ से ढककर भी रखूँ ताकि किसी की उन पर नजर ना पड़े। पर जब मैंने माँ से पूछा कि ऐसा क्यों तो वो कह देती, क्योंकि तू लड़की है और लड़कियों को अपनी सबसे खूबसूरत चीज छुपा कर रखना चाहिए ताकि उन्हें किसी की नजर ना लगे, और तेरी सबसे खूबसूरत चीज है तेरे बाल, समझी। माँ ने तो उस वक्त मेरे सारे सवालों को टाल दिया पर मैं समझ गई थी कि मैं बाकी सबसे अलग थी, माँ पापा कुछ तो मुझसे छुपा रहे थे। युग एकटक नजर से चित्रा को देखते हुए उसकी सारी बातें सुनते रहता है। चित्रा अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, माँ पापा ने बहुत कोशिश की मुझे सब चीजों से दूर रखने की पर मैं कहाँ दूर रहने वाली थी, जो मुझे पसंद था मैं वो करके ही रहती थी। बचपन से ही मुझे बिल्लियों से लगाव था, जब भी मैं किसी बिल्ली के पास जाती तो माँ उस बिल्ली को तुरंत मुझसे दूर हटा देती और मुझे डांटती भी, ये कहकर कि बिल्लियाँ अशुभ होती हैं, उनके पास जाना बुरी शक्तियों को निमंत्रण देना है तो उनसे दूर ही रहे। पर मैं कहाँ माँ की बात मानने वाली थी, जब भी मुझे मौका मिलता मैं बिल्लियों के पास चली जाती। चित्रा एक लंबी आह भरते हुए कहती है, माँ पापा ने जो प्रण लिया था वो उस प्रण को पूरी तरह निभा रहे थे, उन्होंने अपने अतीत का मुझ पर साया तक नहीं पड़ने दिया था। एक आम परिवार की तरह हम सब आम जिंदगी जी रहे थे, माँ घर संभालती थी, पापा जॉब पर जाते थे और मैं स्कूल जाती थी। पढ़ने में मैं उतनी अच्छी भले ही नहीं थी पर पेंटिंग करने में मेरा कोई जवाब नहीं था, बचपन से ही मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद था। सब कुछ ठीक चल रहा था पर कहते हैं ना, आप अपने अंदर की शक्तियों को कितना भी छुपाने की कोशिश करो एक ना एक दिन वो सामने आ ही जाती है। और मेरी शक्ति भी एक दिन मेरे सामने आई, एक ऐसे रूप में जिसके बारे में मैंने कभी सोचा तक नहीं था कि मैं इतनी ज्यादा खतरनाक हो सकती हूँ। हम सबको जिंदगी भर जो चीज हमेशा याद रहती है वो होता है हमारा पहला प्यार, और जो मुझे याद रहा जिंदगी भर वो था मेरा पहला शिकार। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। हम सबको जिंदगी भर जो चीज हमेशा याद रहती है वो होता है हमारा पहला प्यार, और जो मुझे याद रहा जिंदगी भर वो था मेरा पहला शिकार। जैसे चित्रा ये बात बोलती है युग नोटिस करता है कि आंसू की बूंद में फिर से हलचल मचने लग गई थी, चित्रा का चेहरा धुंधला होने लग गया था। युग समझ गया था कि फिर से वो चित्रा की किसी याद में जाने वाला था, चित्रा के पहले शिकार की याद में। देखते ही देखते आंसू की बूंद की हलचल कम होने लग गई थी और अब उसे चीजें कुछ क्लियर दिखने लग गई थी। युग देखता है कि उसकी माँ चित्रा अब काफी बड़ी हो गई थी, उसकी उम्र तकरीबन 16 साल की होगी, और वो किचन में अपनी माँ डायंतिका के साथ उसका काम में हाथ बटा रही थी। चित्रा के पिता निशाद हॉल में बैठे हुए थे जो उस वक्त एक किताब पढ़ रहे थे जिसका नाम था रक्त मंदिर। निशाद बड़े ध्यान से वो किताब पढ़ रहा था, उसका पूरा ध्यान उसी में लगा हुआ था। चित्रा हड़बड़ाहट के साथ जल्दी जल्दी आलू काट रही थी जैसे उसे किसी चीज की जल्दी हो, आलू काटने के बाद उसे कोई और काम करना हो। डायंतिका जो कि चित्रा के पास ही चावल बिनने में लगी हुई थी, चित्रा को इतनी हड़बड़ाहट के साथ काम करते हुए देख उसका चावल बिनने से ध्यान हट गया था और वो बड़े गौर से चित्रा को ही देखने में लगी हुई थी। जैसे ही चित्रा की आलू काटने का काम पूरा हो जाता है वो तुरंत डायंतिका के पास जाती है और कटे आलू का बर्तन डायंतिका की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, लो माँ मैंने आलू काट दिए हैं अब मैं जाऊँ। डायंतिका अपनी दोनों भवे ऊपर उठाते हुए चित्रा से हैरानी के साथ पूछती है, जाऊँ पर कहाँ चित्रा बेटा। चित्रा डायंतिका को पलट कर जवाब देते हुए कहती है, आप भूल गई क्या माँ, मैंने आपको बताया था ना कि आज मैं सुमन के घर पर जाऊंगी पढ़ने के लिए, आज रात का मेरा खाना उसी के घर पर है। डायंतिका तुरंत कुछ गुस्से के साथ कहती है, पर चित्रा बेटा मैंने तुमसे उस वक्त मना तो कर दिया था ना।
चित्रा मुंह बनाते हुए धीरे से कहती है, माँ आपने मना कहाँ पर किया था? आपने कहा था काम हो जाए फिर देखते हैं, तो अब तो हो गए हैं सारे काम। डायंतिका पलट कर कहती है, अभी सारे काम कहाँ पर हुए चित्रा बेटी, अभी तो सब्जी और रोटी बनाना बचा ही है। चित्रा झट से बोल पड़ती है, माँ तो सब्जी रोटी तो रोज आप ही बनाती है ना, मैं तो बस सब्जी ही काट कर देती हूँ और फिर उसके बाद पढ़ने के लिए चली जाती हूँ। तो वही तो करने जा रही हो, बस फर्क यह है कि आज मुझे अपनी सहेली के घर जाना है पढ़ने के लिए। चित्रा और डायंतिका आपस में इतनी तेज बातें कर रही थी कि उनकी बातों का शोर बाहर हॉल तक जा रहा था। यही कारण था कि वो शोर सुनकर निशाज किचन के अंदर आ गया। निशाज किचन के अंदर घुसते ही बोल पड़ता है, अरे ये किस बात का हल्ला मचा रखा है माँ बेटी ने। डायंतिका कुछ कहती उससे पहले चित्रा बोल पड़ती है, पापा देखिए ना माँ मुझे पढ़ाई करने नहीं जाने दे रही है। निशाज झट से डायंतिका की तरफ देखते हुए उससे बोल पड़ता है, क्यों डायंतिका, तुम मेरी बेटी को पढ़ाई करने क्यों नहीं जाने दे रही हो? तुम्हें क्या उससे घर के ही काम करवाने हैं? पढ़ लिख कर उसे कुछ बनने दोगी या नहीं? डायंतिका तीखे तेवर में पलट कर जवाब देती है, मैं क्यों उसे पढ़ने से रोकूंगी भला, मैं तो चाहती हूँ कि वो खूब पढ़े लिखे, पर ये आपकी बेटी पहले इससे पूछ तो लीजिए ये बोल क्या रही है, उसे पढ़ने जाना कहाँ है। डायंतिका की ये बात निशाज को कुछ समझ नहीं आती है और वो चित्रा की तरफ देखने लग जाता है। चित्रा तुरंत निशाज को सारी बात बताते हुए कहती है, वो पापा मुझे ना कुछ डाउट क्लियर करने हैं, वही करने के लिए सुमन के घर पर जाना है, उसके भी कुछ डाउट हैं, दोनों साथ मिलकर पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा ना, उसी के लिए मुझे आज रात सुमन के घर पर जाना है, पर माँ मना कर रही है, प्लीज पापा माँ को समझाइए ना और बोलिए ना मुझे जाने दे। निशाज कुछ कहता उससे पहले ही डायंतिका चित्रा पर गुस्सा करते हुए बोल पड़ती है, तुम्हारे पापा को मुझे नहीं तुम्हें समझाने की जरूरत है, पढ़ाई घर पर भी रहकर हो सकती है, उसके लिए बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। चित्रा एक उम्मीद के साथ निशाज की तरफ देखते हुए कहती है, पापा प्लीज बोलिए ना माँ से। चित्रा ये बात अच्छे से जानती थी कि निशाज कभी उसकी बात नहीं टालेगा, आखिर वो उसका बाप था और अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। निशाज डायंतिका की तरफ देखते हुए उससे कहता है, डायंतिका चित्रा का मन है तो उसे जाने दो ना। डायंतिका गुस्से के साथ कहती है, क्या कहा, जाने दो वो भी रात में, आप जानते हैं ना आज रात। इतना कहकर डायंतिका खुद चुप हो जाती है। जैसे ही डायंतिका चुप होती है चित्रा झट से बोल पड़ती है, मैं रात में जाने की कहां पर बात कर रही हूँ माँ, मैं तो शाम को जाने की बात कर रही हूँ, अभी तो बस 5 बजे है और 8:30 तक मैं वापस आ जाऊंगी, मैं वादा करती हूँ 1 मिनट की भी देर नहीं करूंगी। डायंतिका अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहती है, मैंने कहा ना तुमसे चित्रा, तुम कहीं नहीं जाओगी, मतलब कहीं नहीं जाओगी, अगर इतना ही जरूरी है तो अपनी सहेली को यहाँ पर बुला लो, तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। चित्रा मायूसी के साथ कहती है, माँ उसके घर पर भी कोई नहीं है आज, उसके मम्मी पापा भी बाहर गए हैं, तभी तो मुझे जाना पड़ रहा है। चित्रा तुरंत मासूम सा चेहरा बनाकर फिर निशाज की तरफ देखते हुए उससे बड़े प्यार से कहती है, पापा प्लीज बोलिए ना माँ को। निशाज अपनी बेटी का मायूस चेहरा देख नहीं पाता है और वो डायंतिका से कहता है, जाने दो डायंतिका। डायंतिका निशाज को घूरते हुए कहती है, क्या कहा आपने, जाने दो, पर ऐसे कैसे निशाज, वो। डायंतिका अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही निशाज उसे बीच में टोकते हुए बोल पड़ता है, डायंतिका उसका मन है तो जाने दो, वो बोल रही है ना 8 बजे तक आ जाएगी वो, एक काम करता हूँ मैं खुद उसे छोड़कर आ जाता हूँ, अब तो ठीक है ना। डायंतिका कुछ कहने वाली थी कि तभी निशाज झट से चित्रा से बोल पड़ता है, चित्रा बेटा जाओ तुम जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ। निशाज की ये बात सुनकर चित्रा खुशी से झूम उठती है और निशाज को गले लगाते हुए कहती है, थैंक यू पापा, थैंक यू वेरी मच, आप दुनिया के बेस्ट पापा हैं। इतना कहकर चित्रा फुर्ती के साथ वहां से जाने लग जाती है। चित्रा के जाते ही डायंतिका निशाज पर गुस्सा करते हुए कहती है, आप ना बस इसी तरह उसे सिर पर चढ़ाते रहिए, उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करती रहिए। निशाज बड़े प्यार से कहता है, एक ही तो बेटी है डायंतिका हमारी, अब उसकी भी ख्वाहिशें पूरी नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे। डायंतिका नम लहजे के साथ कहती है, एक ही बेटी है तभी तो उसकी इतनी फिक्र है, तुम जानते हो ना निशाज आज क्या है। निशाज डायंतिका की आंखों में देखते हुए कहता है, मुझे अच्छे से पता है डायंतिका आज क्या है, आज अमावस्या की रात है ना, मैं कभी अमावस्या की रातें भूल सकता हूँ क्या। डायंतिका पलट कर कहती है, अमावस्या की रातें फिर भी उसे बाहर जाने दे रहे हैं सब कुछ जानते हुए भी। निशाज कहता है, हाँ डायंतिका, क्योंकि एक ना एक दिन तो उसे अमावस्या की रात बाहर जाना ही पड़ेगा ना, तो अभी क्यों नहीं, अब वो बड़ी हो रही है और अब उसे अपनी जवाबदारियां खुद लेनी पड़ेंगी। डायंतिका खामोश रहती है, पर कहीं ना कहीं उसे यह किसी बात का डर था और ये डर निशाज ने उसके चेहरे को देखकर भाप लिया था। निशाज डायंतिका को समझाते हुए कहता है, डायंतिका तुम इतना डर क्यों रही हो, अभी तक किसी भी अमावस्या की रात हमारी बेटी पर किसी भी चीज का जरा सा भी असर नहीं हुआ है, ना ही वो चीज उस पर हावी हुई है जिसका हमें डर था, हमने उसे सारी चीजों से बचा कर रखा है।
मुझे लगता है कि वो हमसे अलग है, डायंतिका पलट कर कहती है। क्या कहा, अलग है पर कैसे, तुमने उसकी चोटी देखी है ना, निशाच कहता है। डायंतिका अब कुछ तो हमारी जैसी होगी ना, आखिर वो बेटी है हमारी, तुम ना बेवजह ही डर रही हो। डायंतिका कुछ कहती उससे पहले ही चित्रा वहां पर तैयार होकर आ जाती है, जिसने नीले रंग की कुर्ती पहनी हुई थी और साइड में एक बैग पकड़ा हुआ था। चित्रा ने अपने बालों का बड़ा सा जूड़ा बनाया हुआ था। उसका जूड़ा इतना बड़ा था कि किसी का भी ध्यान सबसे पहले उसके चेहरे पर जाए या ना जाए, पर जूड़े पर जरूर जाता। चित्रा ने डायंतिका की बस आखिरी बात सुनी थी और वो झट से बोल पड़ती है, माँ आप डर क्यों रही हैं? मैंने कहा ना मैं 8:30 बजे तक आ जाऊंगी, इतना परेशान मत होइए आप। डायंतिका चित्रा की बातों पर ध्यान नहीं देती है, पर उसके जूड़े की तरफ देखते हुए कहती है, मैंने कितनी बार बोला है तुमसे चित्रा की अपने बालों को कवर करके रखा करो, फिर तुमने इन्हें कवर क्यों नहीं किया है? डायंतिका की ये बात कहते ही चित्रा तुरंत अपने नीले सूट के नीले दुपट्टे को खोलती है और उससे अपने सिर को कुछ इस तरह कवर करती है कि उसका पूरा जूड़ा उससे कवर हो जाता है और उसके बाल जरा से भी नहीं दिखते हैं। चित्रा डायंतिका की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहती है, अब ठीक है माँ, अब मैं जाऊँ, जल्दी जाऊंगी, तभी तो जल्दी आऊंगी। डायंतिका कुछ नहीं कहती है। निशाद झट से चित्रा से बोल पड़ता है, हाँ हाँ बेटी जल्दी करो, हमें देर नहीं करनी चाहिए। निशाद और चित्रा वहां से जाने के लिए कदम बढ़ाने लग जाते हैं। डायंतिका फिर बोल पड़ती है, आप ना इसी तरह इसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करते रहिए, देखिएगा एक दिन ना ये आपसे चांद मांगेगी और फिर वो भी आपको इसके लिए लाना पड़ेगा। निशाद वहां से जाते हुए कहता है, उसकी नौबत नहीं आएगी डायंतिका, उसकी फिक्र तुम मत करो, मेरी बेटी खुद चांद है, उसे किसी और चांद की जरूरत नहीं है, वो तो चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है। इतना कहकर निशाच वहां से चले जाता है। निशाच और चित्रा के जाते ही डायंतिका नम लहजे के साथ खुद से कहती है, मेरी बेटी चांद है तभी तो मुझे उसकी इतनी फिक्र लगी रहती है, बस मेरी चांद सी बेटी पर उस चांद की तरह कोई दाग न लगे, जिस तरह अभी तक पवित्र है उसी तरह हमेशा रहे। हम कुछ चीजों को कितना भी बदलने की कोशिश क्यों ना करें, पर कुछ चीजें कभी नहीं बदलती हैं। नियति में जो लिखा रहता है वो होकर ही रहता है, और इस अमावस्या की रात भी चित्रा की नियति लिखी जा चुकी थी। चित्रा के घर में निशाच और डायंतिका हॉल के अंदर बैठे हुए थे। दोनों के चेहरे पर एक टेंशन बेचैनी साफ नजर आ रही थी। दोनों की नजर दीवार पर लगी एंटीक पेंडुलम घड़ी पर टिकी हुई थी, जिसमें 9:01 कम था। जैसे ही घड़ी में 9 बजते हैं, हॉल टन टन की आवाजों से गूंज पड़ता है। डायंतिका सोफे पर से उठते हुए बोल पड़ती है, घड़ी में देखो जरा 9 बज गए हैं। निशाद चिढ़ते हुए कहता है, मुझे दिख रहा है डायंतिका, मेरी भी आंखें हैं। डायंतिका गुस्से से कहती है, अगर आंखें हैं तो बताते क्यों नहीं, हमारी बेटी चित्रा अभी तक आई क्यों नहीं? निशाद डायंतिका की बात का जवाब देते हुए कहता है, बताया तो डायंतिका मैंने तुम्हें, वो ऑटो में बैठ गई है, रास्ते में है। डायंतिका पलट कर कहती है, रास्ते में है, ये क्या जवाब हुआ निशाच, जब छोड़ने तुम गए थे तो लेने भी चले जाते, क्या जरूरत थी उसे ऑटो से आने की? निशाच जवाब देता है, मैं तो जा ही रहा था डायंतिका, पर चित्रा ने मना कर दिया, उसने कहा पापा आप क्यों परेशान हो रहे हैं, मैं आ जाऊंगी, और वैसे भी मैं भी ऑफिस के काम से बॉस को वो जरूरी फाइलें देने चला गया था, मुझे वहीं पर देर हो गई थी तो मैं कैसे चले जाता। डायंतिका अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए कहती है, तुम तो ना रह नहीं दो निशाच, मैं मना कर रही थी ना उसे भेजने से, पर तुम मेरी सुनते कहाँ हो। निशाच डायंतिका को फिर से समझाते हुए कहता है, मैंने कहा ना डायंतिका तुमसे कि मेरी चित्रा से फोन पर बात हो गई है, वो आ रही है, तुम खामखा परेशान हो रही हो। डायंतिका अपनी नाराजगी दिखाने के लिए खामोशी रहती है, पलट कर कुछ जवाब नहीं देती है। इस तरफ चित्रा एक ऑटो के अंदर बैठी हुई थी। चित्रा ऑटो के अंदर तो बैठी हुई थी, पर एक अलग ही रूप में, वो रूप जो आज तक किसी ने उसका नहीं देखा था। चित्रा घर से नीले रंग का सलवार सूट पहनकर निकली थी, पर अब उसके कपड़े बदल चुके थे। उसने काले रंग का टॉप पहना हुआ था जो उसके बदन से पूरी तरह कसा हुआ था, जिस कारण उसके बदन के अंग उभर कर नजर आ रहे थे। वो काला टॉप बस उसकी जांघों तक आ रहा था। उसकी सफेद कोमल टांगे उस काले टॉप में और भी ज्यादा आकर्षक लग रही थी। जिस दुपट्टे से उसने अपने बालों को कवर करके रखा हुआ था वो अब उसके सिर पर नहीं थे, उसके बाल दिखाई दे रहे थे, जिसका अभी भी जूड़ा बंधा हुआ था उसके सिर के पीछे। आंखों में काजल और होठों पर उसने लाल लिपस्टिक लगाई हुई थी। वो इतनी ज्यादा सुंदर लग रही थी कि ऑटो चलाने वाले ने कांच उसी की तरफ मोड़ कर रखा हुआ था ताकि चित्रा को वो देख सके। उसका ध्यान ऑटो चलाने में कम और चित्रा के बदन पर ज्यादा था, और चित्रा का ध्यान कहीं और ही था, वो किसी दूसरे ख्याल में ही खोई हुई थी, जैसे वो कुछ सोच रही हो। चित्रा बदली बदली सी नजर आ रही थी, जैसे उसे कुछ हो गया हो। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। चित्र
चित्रा का ध्यान कहीं और ही था। वो किसी दूसरे ख्याल में ही खोई हुई थी, जैसे वो कुछ सोच रही हो। चित्रा बदली बदली सी नजर आ रही थी, जैसे उसे कुछ हो गया हो। वो ऑटो ड्राइवर चित्रा के हुस्न को एकटक नजर से आईने में देख ही रहा था कि तभी चित्रा का ध्यान उस आईने पर चले जाता है। जैसे चित्रा आईने की तरफ देखती है, वो ऑटो ड्राइवर कांच पर से नजर हटा लेता है। चित्रा उस ऑटो ड्राइवर की नजर देखकर समझ गई थी कि वो ऑटो ड्राइवर उसे किन नजरों से देख रहा था। चित्रा डायंतिका की तरह तेज तर्रार थी। उसे अच्छे से पता था कि ऐसे लोगों को किस तरह जवाब दिया जाता था। चित्रा तीखे स्वर में ऑटो ड्राइवर से कहती है, भैया आपका नाम क्या है? वो ऑटो ड्राइवर एक हाथ से ऑटो का हैंडल पकड़ता है और अपने दूसरे हाथ से अपने सिर के बाल जमाते हुए मुस्कुराते हुए चित्रा से कहता है, जी मैडम जी, मेरा नाम दीपक है और प्यार से लोग मुझे दीपू बुलाते हैं। चित्रा बड़े प्यार से दीपक से कहती है, तो प्यारे दीपू जी, आपके ऑटो का कांच ना लगता है आप पर गया है, ये भी आपकी तरह टेढ़ा है, तो इसे ना जल्दी से सीधा कर लीजिए, वरना बहुत कुछ टेढ़ा हो जाएगा। जैसे ही चित्रा ये बात बोलती है, दीपक मुंह बनाने लग जाता है और तुरंत ऑटो में लगे मिरर को सीधा कर लेता है। दीपक समझ गया था कि चित्रा बहुत तेज थी, यहाँ उसकी दाल नहीं गलने वाली थी, इसलिए एक शरीफ लड़के की तरह वो सीधे ऑटो चलाने पर ध्यान देने लग जाता है, चित्रा की तरफ देखता तक नहीं है। चित्रा ऑटो के अंदर बैठी हुई थी कि तभी उसका फोन बजने लग जाता है। जब चित्रा की नजर उसके फोन पर पड़ती है, तो वो देखती है कि उसे किसी और का नहीं, सुमन का फोन आ रहा था। वही सुमन जिसके घर पर वो पढ़ाई करने के लिए गई थी। चित्रा फोन रिसीव करते हुए कहती है, हाँ सुमन बोलो। सुमन के फोन के अंदर से आवाज आती है, पहुँच गई चित्रा तुम घर? चित्रा परेशान होते हुए जवाब देती है, अभी नहीं सुमन, अभी कहाँ पहुँची, वो हावड़ा ब्रिज पर ट्रैफिक लगा हुआ था आधे घंटे तक, तो उसी जाम में फंसी रही, अभी बस कुछ देर पहले ही तो निकली उस जाम से। सुमन की आवाज़ आती है, अच्छा तो तुम जाम में फंस गई थी, तुम्हें पता है चित्रा यहाँ पर भी तुम्हारे जाते ही लाइट चली गई थी, अभी तक नहीं आई है, पता नहीं क्या हो गया लाइट को, वापस आने का नाम ही नहीं ले रही। चित्रा कहीं खोई रहती है, कुछ जवाब नहीं देती है। चित्रा हिचकिचाहट के साथ डरते हुए कहती है, सुमन मुझे ना डर लग रहा है। सुमन की आवाज़ आती है, डर लग रहा है पर क्यों चित्रा? चित्रा अपने कपड़ों को देखते हुए कहती है, वो सुमन मेरी ड्रेस। इतना कहकर चित्रा खुद चुप हो जाती है। दूसरे साइड फोन पर बनी सुमन समझ जाती है कि चित्रा इसके आगे क्या बोलने वाली थी। चित्रा फिर बोल पड़ती है, माँ मुझे इस ड्रेस में देखेगी तो चिल्लाएगी। सुमन का झट से जवाब आता है, बिल्कुल नहीं चिल्लाएगी चित्रा आंटी जी, वो तो बल्कि खुश होंगी तुम्हें इस ड्रेस में देखकर कि मेरी बेटी इतनी ज्यादा सुंदर है, वो तो जाते ही तुम्हारी नजर उतारने लग जाएगी, देखना तुम। चित्रा अपनी अर्धनग्न जांघों को देखते हुए कहती है, पर ये कपड़े कुछ ज्यादा ही छोटे हैं, तुम्हें ना मुझे दूसरी ड्रेस दे देनी चाहिए थी, ऊपर से तुमने मेरा मेकअप भी कर दिया। सुमन का जवाब आता है, कहाँ किया है मेकअप चित्रा रानी, बस लिपस्टिक और काजल ही तो लगाया मैंने तुम्हें, इसे थोड़ी मेकअप कहते हैं, तुम ना बहुत सीधे रहती हो, लड़कियों को ना मेकअप करते रहना चाहिए, तभी तो उनकी खूबसूरती निखर कर सामने आती है। और रही बात कपड़ों की, अब मेरे पास तो सारे वैसे ही कपड़े हैं ना, तो वही दूंगी ना। चित्रा मायूसी के साथ कहती है, मुझे ना तुम्हारे कपड़े पहनने ही नहीं चाहिए थे। सुमन कहती है, मेरे कपड़े नहीं पहनती तो क्या करती तुम, वो तुम्हारा सूट जिस पर जूस गिर गया था वो पहनकर घर जाती क्या, अब मैं तुम्हें उन्हीं गंदे कपड़ों पर तो घर नहीं भेज सकती थी ना। चित्रा फिर कुछ कहने वाली थी कि सुमन फिर बोल पड़ती है, अब ना तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो, अच्छे मन से घर जाओ, सब कुछ अच्छा ही होगा, और रही बात आंटी की, तो सुमन अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही सुमन की आवाज़ आनी बंद हो जाती है। चित्रा हड़बड़ाहट के साथ कहती है, हेलो सुमन सुमन। यही बड़बड़ाते हुए जब चित्रा की नजर उसके फोन पर पड़ती है, तो वो देखती है कि उसके फोन की बैटरी जा चुकी थी। चित्रा मोबाइल को देखते हुए कहती है, इसे भी अभी स्विच ऑफ होना था क्या, ये आज मेरे साथ हो क्या रहा है, मुझे ना माँ की बात मान लेनी चाहिए थी, घर से निकलना ही नहीं चाहिए था। इतना कहकर चित्रा मुंह बनाने लग जाती है। इस तरफ चित्रा के घर में डायंतिका और निशाज की टेंशन और ज्यादा बढ़ गई थी। डायंतिका निशाज से कुछ ना कुछ बोले जा रही थी, पर निशाज था कि खामोशी के साथ बैठा हुआ था, डायंतिका से पलटकर कुछ नहीं बोल रहा था। डायना फिर एक बार घड़ी की तरफ देखते हुए बोल पड़ती है, जरा वक्त देखो निशाज, 10 बज गए, चित्रा अभी तक नहीं आई, तुम तो कह रहे थे ना कि वो थोड़ी देर में आ जाएगी, तो फिर वो अभी तक आई क्यों नहीं? चित्रा के अभी तक घर वापस नहीं आने से निशाज भी घबराया हुआ था, पर वो जानता था कि अगर उसने ये घबराहट डायंतिका के सामने जाहिर होने दी तो डायंतिका और ज्यादा डर जाएगी, इसलिए वो अपना डर छुपाते हुए डायंतिका से कहता है, वो आ रही होगी डायंतिका, तुम ना बेवजह ही परेशान हो रही हो। डायंतिका निशाज पर चिढ़ते हुए कहती है, क्या कहा तुमने? निशाज मैं बेवजह ही परेशान हो रही हूँ, वो बेटी है मेरी, कैसे परेशान नहीं होगी, तुम्हें भले ही उसकी कोई फिक्र ना हो पर मुझे मेरी बेटी की बहुत फिक्र है, समझे तुम? तुम ना ये सब छोड़ो, तुमसे बहस करना ही बेकार है, तुम ना फिर से कॉल करो मेरी बेटी को, पूछो उससे कब तक आ रही है वो।
निशाज डायंतिका को अच्छे से जानता था कि जब तक वो चित्रा को फोन नहीं लगाएगा डायंतिका इसी तरह उस पर गुस्सा करती रहेगी। इस वजह से निशाज तुरंत अपना फोन निकालता है और चित्रा को फोन करने लग जाता है। जब निशाज चित्रा को फोन करता है तो निशाज की घबराहट बढ़ने लग जाती है। इस बार उसकी घबराहट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो उसे छुपा नहीं पाता है और डायंतिका उसके चेहरे पर की ये घबराहट को पढ़ लेती है। 3-4 मिनट तक करीब निशाज चित्रा को कॉल लगाते ही रहता है। 5वां मिनट होता है, उससे पहले ही डायंतिका झट से निशाज से पूछ बैठती है, क्या हुआ निशाज, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? निशाज थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहता है, वो डायंतिका चित्रा का फोन नहीं लग रहा है, मोबाइल बंद बता रहा है। निशाज की ये बात सुनकर चित्रा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो घबराते हुए कहती है, क्या कहा, चित्रा का फोन बंद है पर क्यों? निशाज डायंतिका को समझाते हुए कहता है, होगा कोई कारण डायंतिका, इसमें इतनी घबराने वाली क्या बात है? निशाज कुछ सोचते हुए कहता है, और वैसे भी डायंतिका तुम्हें पता है ना चित्रा के मोबाइल की बैटरी खराब है, हो सकता है उसी कारण स्विच ऑफ हो गया। मैं तो तुमसे पहले ही कह रहा था कि हमें चित्रा को नया फोन दिला देना चाहिए पर तुमने ही मना कर दिया। डायंतिका तुरंत पलट कर कहती है, अब ना तुम निशाज सारा दोष मुझ पर डाल दो, एक तो तुमने ही उसे उसकी सहेली के घर जाने दिया, मैं तो मना ही कर रही थी और अब तुम मुझे ही बोल रहे हो। निशाज पलट कर कुछ नहीं कहता है क्योंकि वो जानता था कि डायंतिका को कुछ भी कहना इस वक्त बेकार था। चित्रा की फिक्र के कारण वो कुछ ज्यादा ही गुस्से में थी और कुछ के कुछ बोलते जा रही थी। इस तरफ चित्रा की टेंशन भी बढ़ती जा रही थी, वो बार बार अपनी घड़ी में वक्त देखते जा रही थी और परेशान होते जा रही थी। ऑटो ड्राइवर दीपक, जिसने ऑटो का आईना तो सीधा कर लिया था, पर उसके बाद भी साइड मिरर से उसकी नजर बार बार चित्रा पर जा रही थी। उसका मन बार बार चित्रा के बदन को देखने को कर रहा था, मन करता भी कैसे नहीं। चित्रा इतनी ज्यादा सुंदर लग रही थी कि किसी भी आदमी का मन उस पर पिघल जाए। चित्रा परेशान होते हुए कहती है, 10 बज गए, आज तो पक्का जब घर जाऊंगी माँ बहुत चिल्लाएगी मुझ पर, बस अब 15 मिनट का रास्ता और बचा है, उसके बाद मैं घर पहुंच जाऊंगी। चित्रा ऑटो के अंदर बैठकर घर पहुंचकर उसका क्या हाल होने वाला था, डायंतिका उस पर कितना चिल्लाने वाली थी, इस बारे में सोचकर वो टेंशन लिए ही जा रही थी कि तभी उसका ध्यान आसमान की तरफ चला जाता है और वो देखती है कि आसमान में ढेर सारे काले बादल छाए हुए थे। काले बादलों से आसमान भरा हुआ था, जिस तरफ नजर जा रही थी उस तरफ काले बादल नजर आ रहे थे और तो और वो काले बादल आपस में टकरा कर गरज भी रहे थे। चित्रा उन काले बादलों को देखते हुए खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, ये क्या, आज तो मौसम भी खराब हो रहा है, इस मौसम को भी आज ही के दिन खराब होना था क्या? चित्रा ने इतना कहा ही था कि तभी उसका ऑटो एक ऐसी जगह के पास से निकलता है कि चित्रा का उस जगह पर ध्यान चला जाता है। जब चित्रा उस जगह को देखती है तो बस देखते ही रह जाती है, उसे ऐसा लगता है जैसे वो जगह उसे अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। उस जगह को देखते ही चित्रा को न जाने क्या हो जाता है, वो तुरंत भारी आवाज में ऑटो ड्राइवर से कहती है, ऑटो रोक दे। ऑटो ड्राइवर दीपक तुरंत बोल पड़ता है, पर आपको तो आगे जाना है ना, यहाँ पर थोड़ी, चित्रा भारी आवाज में कहती है, मैंने कहा ऑटो रोक। चित्रा ने ये इतनी ज्यादा भारी आवाज में कहा था कि वो आवाज चित्रा की लगी नहीं रही थी। डर के कारण ऑटो ड्राइवर उसी वक्त ऑटो रोक देता है। चित्रा ऑटो से नीचे उतरने लग जाती है। जिस जगह पर चित्रा ने ऑटो रुकवाया था, ऑटो ड्राइवर उस जगह को बड़ी हैरानी के साथ देखने लग जाता है और डरते हुए कहता है, मैडम जी आपने यहाँ पर ऑटो क्यों रुकवाया है? चित्रा कुछ जवाब नहीं देती है, अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाती है। ऑटो ड्राइवर तुरंत बोल पड़ता है, मैडम जी मेरे पैसे तो देकर जाओ। चित्रा तुरंत अपने पर्स में से 500 का नोट निकालती है और उस ऑटो ड्राइवर को दे देती है और फिर अपने कदम हड़बड़ाहट के साथ आगे बढ़ाने लग जाती है। ऑटो ड्राइवर कहता है, मैडम जी बाकी के बचे पैसे तो लेकर जाओ। वो ऑटो ड्राइवर चित्रा को आवाज लगाते रहता है पर चित्रा उसकी एक नहीं सुनती है, अपने कदम आगे बढ़ाती रहती है। ऑटो ड्राइवर चित्रा को वहाँ से जाते हुए देख हैरानी के साथ कहता है, ये लड़की तो मुझे पागल लगती है, तभी तो ऐसे कपड़े पहनकर इस वक्त यहाँ पर आई है। चित्रा का बदन पीछे से और भी ज्यादा सुडौल लग रहा था जिस कारण वो ऑटो ड्राइवर चित्रा को ही देखते रहता है, वो वहाँ से जाता ही नहीं है। चित्रा ने जिस जगह पर ऑटो रुकवाया था वो जगह कोई और नहीं बल्कि बंगाल पार्क स्ट्रीट कब्रिस्तान था जो उसके घर के रास्ते में ही पड़ता था। वैसे तो चित्रा रोज वहीं से निकला करती थी पर ये पहली बार था कि वो उस कब्रिस्तान को देखकर वहां पर रुक गई थी। वो कब्रिस्तान उसे अपनी तरफ खींच रहा था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उस कब्रिस्तान से उसे कोई पुकार रहा हो। चित्रा कब्रिस्तान के अंदर अपने कदम आगे बढ़ाते रहती है, उसके आसपास ढेर सारी कब्र थी जिसमें मुर्दे दफन थे। वहाँ पर दूर दूर तक चित्रा के अलावा कोई नजर नहीं आ रहा था, पूरे कब्रिस्तान में चित्रा के सिवा वहाँ पर कोई नहीं था। चित्रा एक ऐसी जगह पर थी कि रात के अंधेरे में क्या कोई दिन में भी वहाँ पर ना भटके, पर चित्रा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई डर ही नहीं लग रहा हो। वो बड़े आराम से अपने कदम आगे बढ़ाती जा रही थी। चित्रा कब्रिस्तान के अंदर अपने कदम बढ़ाई रही थी कि तभी उसे बिल्ली के रोने की आवाज सुनाई देने लग जाती है। चित्रा उस आवाज को गौर से सुनते हुए खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है,
ये तो वही बिल्ली के रोने की आवाज है जो मुझे अक्सर सुनाई देती रहती है, पर ये आवाज यहाँ कैसे सुनाई दे रही है? आखिर चक्कर क्या है? चित्रा ने इतना कहा ही था कि तभी एक जोरदार बिजली चमकती है। बिजली इतनी तेज चमकी थी कि एक पल के लिए सब तरफ उजाला हो गया था। चित्रा बिना देरी करे उस बिल्ली की आवाज का पीछा करने लग जाती है और उस तरफ जाने लग जाती है। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। चित्रा बिना देरी करे उस बिल्ली की आवाज का पीछा करने लग जाती है और उस आवाज की तरफ जाने लग जाती है। जैसे जैसे चित्रा अपने कदम आगे बढ़ाते जा रही थी, बिल्ली की आवाज तेज होती जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो बिल्ली उसे अपने पास बुला रही हो। चित्रा बिल्ली की आवाज का पीछा करते हुए अपने कदम कब्रिस्तान में आगे बढ़ाई रही थी कि तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लग जाती है। उन कदमों की आहट को सुनकर चित्रा समझ जाती है कि उस कब्रिस्तान में उसके सिवा भी कोई और मौजूद था। चित्रा उसी वक्त जहाँ पर थी वहीं पर रुक जाती है। कब्रिस्तान में सन्नाटा छाया हुआ था और उसी सन्नाटे को चीरते हुए किसी के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी जो धीरे धीरे तेज होते जा रही थी, जैसे कोई चित्रा की तरफ ही अपने कदम बढ़ा रहा हो। जब चित्रा उन कदमों की आहट को गौर से सुनती है तो समझ जाती है कि वो कदमों की आहट उसके पीछे से आ रही थी। वो तुरंत पीछे मुड़ जाती है। जब वो पीछे मुड़ती है तो जो चेहरा उसे दिखाई देता है उस चेहरे को वो अच्छे से पहचानती थी। उसने जरा से भी उम्मीद नहीं करी थी कि कब्रिस्तान के अंदर उसे वो चेहरा देखने को मिलेगा। उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि ऑटो ड्राइवर दीपक खड़ा हुआ था। दीपक के हाथ में छुट्टे पैसे रखे हुए थे जिसमें 100-100 के दो नोट और एक 50 का नोट था। जब चित्रा एकदम से पीछे मुड़ती है तो दीपक कुछ घबरा जाता है। चित्रा गुस्से के साथ दीपक को घूरते हुए कहती है, तू? दीपक हिम्मत करते हुए हकलाते हुए चित्रा से कहता है, वो मैडम जी, आपके बाकी के पैसे? चित्रा गुस्से के साथ ही पलट कर कहती है, रख ले तू। दीपक ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं, आपके पैसे आप रखिए। ये दीपू अपनी मेहनत की कमाई लेता है और उसे ही खाता है, ऐसे किसी के पैसे नहीं रखता है। चित्रा दीपक को देखकर समझ गई थी कि वो ऐसे नहीं जाने वाला था, इसलिए ना चाहते हुए भी वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है और दीपक के पास से बाकी के बचे पैसे लेने लग जाती है। जब चित्रा दीपक की तरफ अपने हाथ आगे बढ़ाती है तो दीपक अजीब तरीके से चित्रा के हाथ को पकड़ने लग जाता है। चित्रा के हाथ पर अपने हाथ फेरने लग जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो चित्रा के हाथ को सहला रहा हो। चित्रा तुरंत अपना हाथ पीछे की तरफ खींच लेती है। चित्रा दीपक को गुस्से के साथ घूरते हुए कहती है, हो गया, जा यहाँ से। दीपक वहीं पर खड़ा रहता है, पलट कर कुछ जवाब नहीं देता है। चित्रा की आंखों और बातों से वो बहुत बदली बदली नजर आ रही थी, जैसे कब्रिस्तान के अंदर कदम रखते ही उसे कुछ हो गया हो। दीपक हिम्मत करते हुए फिर हिचकिचाहट के साथ चित्रा से कहता है, मुझे पता है तुम यहाँ इस कब्रिस्तान में इतनी रात में यहाँ पर क्यों आई हो। चित्रा एकदम दीपक को देखते रहती है, कुछ नहीं कहती है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद दीपक के मुंह से ये सुनना चाहती हो कि वो इस वक्त कब्रिस्तान में क्यों आई है। दीपक चित्रा की इस बात को भांप जाता है और खुद बोल पड़ता है, मैंने फिल्मों में देखा, ऐसी ही लड़कियां अनजान लड़कों को सुनसान जगह पर ले जाती हैं और उस सुनसान जगह पर ले जाकर लड़कों को इशारा करती है उनके पीछे जाने का, और फिर लड़का उस लड़की के पीछे जाता है और सुनसान जगह पर पहुंचकर ही उन दोनों के बीच वो हो जाता है। चित्रा दीपक को एकटक देखते हुए भारी आवाज में उससे पूछती है, वो हो जाता है? क्या हो जाता है? दीपक शर्माते हुए अगले ही पल जवाब देता है, मुझे पता है, तुम्हें सब पता है, पर तुम जानबूझकर अनजान बन रही हो। सब कुछ मेरे मुंह से सुनना चाहती हो ना, पर मैं भी इतना शर्मिला नहीं हूँ जितना तुम समझ रही हो। मुझे नहीं आती शर्म, मैंने तो अपनी शर्म बेच खाई है और अब तुम भी अपनी शर्म मुझे बेच दो। इतना कहकर दीपक कस कस कर हंसने लग जाता है। चित्रा दीपक को एकटक देखते हुए फिर उससे पूछती है, तूने बताया नहीं क्या होता है लड़के और लड़की के बीच सुनसान जगह पर? चित्रा के मुंह से ये बात सुनकर दीपक और ज्यादा खुश हो जाता है। दीपक और ज्यादा शर्माते हुए तुरंत चित्रा से बोल पड़ता है, उस सुनसान जगह पर वही होता है जो हर लड़का लड़की एक दूसरे के साथ करना चाहते हैं, जिसके वो सपने देखते रहते हैं, जिसकी उन्हें हर वक्त तड़प लगी होती है। मुझे पता है तुम यहाँ पर भी अपनी वही तड़प मिटाने आई हो मेरे साथ। चित्रा दीपक को गुस्से के साथ घूरते हुए कहती है, चले जा यहाँ से वरना मेरी तड़प ऐसे मिटेगी कि मरते वक्त भी तड़प नहीं पाएगा। दीपक चित्रा के बदन को ऊपर से लेकर नीचे तक अपनी आंखों से निहारते हुए कहता है, मैं जाने के लिए थोड़ी आया हूँ, मैं तो अपनी तड़प मिटाने के लिए आया हूँ और आज उसे मैं मिटाए बिना यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। इतना कहकर दीपक चित्रा का हाथ पकड़ लेता है। चित्रा दीपक को गुस्से के साथ घूरते हुए कहती है, मैं कहती हूँ छोड़ मेरा हाथ। दीपक चित्रा के हाथ को कसकर थामते हुए कहता है, इसे छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है मैंने,
और अभी तो बस मैंने हाथ पकड़ा है, अभी तो बहुत कुछ पकड़ना बाकी है। सीधे सीधे मानती है कि अपनी मर्दानगी दिखाऊं। चित्रा दीपक को घूरते हुए कहती है, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़। दीपक चित्रा का हाथ नहीं छोड़ता है, अपने दोनों हाथों से कसकर उसका हाथ पकड़े रहता है। दीपक की हरकत देखकर चित्रा को गुस्सा आ जाता है, वो उसी वक्त अपनी पूरी ताकत से दीपक को दूसरी तरफ धक्का दे देती है। दीपक दूर हटकर नीचे गिर जाता है। जैसे ही दीपक नीचे गिरता है वो दर्द से कराह पड़ता है। आह, चित्रा को लगता है कि दीपक अब नहीं उठेगा, इसलिए वो दूसरी तरफ मुड़ती है और फिर से आगे बढ़ने लग जाती है। अभी चित्रा ने दो तीन कदम अपने आगे बढ़ाई थी कि तभी दीपक हड़बड़ाहट के साथ अपनी जगह पर से उठता है और पीछे से कसकर चित्रा को पकड़ लेता है। दीपक कुछ इस तरह से चित्रा को पकड़ता है कि चित्रा के बदन के पीछे के सारे अंग दीपक के अंगों से टच होने लग जाते हैं। दीपक अपना हाथ चित्रा के पेट पर फेरने लग जाता है। चित्रा उसी फुर्ती के साथ दीपक की पकड़ से अपने आप को छुड़ाने लग जाती है। उसके दोनों हाथों को उसके पेट पर से हटाने की कोशिश करने लग जाती है, पर दीपक ने इतनी कसकर चित्रा को पकड़ कर रखा हुआ था कि चित्रा अपने आप को दीपक के हाथों की पकड़ से छुड़ा ही नहीं पा रही थी। चित्रा अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, मैं कहती हूँ छोड़, मुझे जाने दे। दीपक चित्रा की एक नहीं सुनता, उसे पकड़े रहता है, अपने गाल चित्रा के गालों से सटाने लग जाता है, उसे चूमने की कोशिश करने लग जाता है और चित्रा उससे बचने की। दीपक चित्रा को चूमने की कोशिश करते हुए कहता है, मान भी जा, अब इतना क्यों तरसा रही है, तूने ही तो मुझे बुलाया है, अब बिना चखे तुझे ऐसे थोड़ी छोड़ सकता हूँ। चित्रा दीपक से अपने बदन को छुड़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देती है और देखते ही देखते वो इसमें कामयाब भी होने लग जाती है। दीपक उसी वक्त चित्रा के बदन के दूसरे हिस्से को पकड़ने की कोशिश करने लग जाता है, अपने हाथ उसके वक्ष की तरफ ले जाने लग जाता है, जिस कारण उन दोनों के बीच हाथापाई होने लग जाती है। उसी हाथापाई के दौरान वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरने के बाद भी उन दोनों के बीच हाथापाई चालू रहती है। दीपक चित्रा के बदन को पकड़ने की कोशिश करते रहता है। दीपक चित्रा के बदन को पकड़ते हुए कहता है, अच्छा हुआ तू खुद लेट गई, वरना मैं तो खुद सोच रहा था तुझे कैसे लिटाऊं। दीपक एक बार फिर चित्रा के बदन को आगे से कसकर अपनी बाहों में दबोच लेता है और चित्रा अपने आप को उससे छुड़ाने की कोशिश करते रहती है। चित्रा और दीपक के बीच हाथापाई हो ही रही थी कि उसी हाथापाई के दौरान दीपक चित्रा के जोड़े को कसकर अपने एक हाथ से पकड़ता है और उसे कसकर खींच देता है ताकि चित्रा उसके काबू में आ जाए। जैसे ही दीपक चित्रा के बालों को खींचता है चित्रा का जोड़ा खुल जाता है। चित्रा की लंबी सी चोटी उसकी कमर पर आ जाती है। उसी वक्त कसकर बिजली चमकती है जिस कारण चारों तरफ उजाला हो जाता है। जूड़े के खुलते ही चित्रा अपने आप को दीपक से छुड़ाने की कोशिश बंद कर देती है, एकदम अपने शरीर को ढीला छोड़ देती है, कुछ नहीं करती है, जैसे उसने अपने आप को दीपक को सौंप दिया हो। चित्रा की नजरें नीचे की तरफ थी जिस कारण दीपक को उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो चित्रा का चेहरा देख कर करता भी क्या, उसकी नजर तो चित्रा के बदन की तरफ थी, उसके उभरे हुए नितंबों की तरफ जो चित्रा के टाइट कपड़ों में और भी ज्यादा उभर कर दिख रहे थे। जब चित्रा जरा सा भी विरोध नहीं करती है तो दीपक खुश हो जाता है और वो अपने हाथ को चित्रा की कमर पर फेरते हुए अपने मुंह से लार टपकाते हुए कहता है, तो आखिर तुम मेरी बात मान ही गई, अब मजा आएगा ना करने में, आओ इस कब्रिस्तान के सन्नाटे को तोड़ते हैं, यहाँ के मुर्दों को नींद से जगाते हैं हमारी आवाजों से। दीपक के ये बात बोलते ही चित्रा अपने दोनों हाथों से कस कर दीपक को अपने और करीब खींच लेती है। दीपक कहता है, तुम लड़कियां ना ऐसी ही होती हो, पहले करने से मना करती हो और जब मूड बन जाता है तो उतावली हो जाती हो। चित्रा अपने हाथ दीपक की कमर पर फेरते जा रही थी। जैसे जैसे चित्रा अपने हाथ दीपक की कमर पर फेरते जा रही थी उसके हाथ के नाखून बड़े होते जा रहे थे। नाखून बस बड़े ही नहीं हो रहे थे बल्कि काले भी होते जा रहे थे। चित्रा के नाखून इतने ज्यादा नुकीले और पैने हो जाते हैं कि जब अगली बार चित्रा दीपक की पीठ पर अपना हाथ फेरती है तो उसकी पीठ से खून निकलने लग जाता है। दीपक दर्द से तिलमिला उठता है और दर्द से कराहते हुए कहता है, आह क्या कर रही हो, तुम मुझे नोच खाओगी क्या, ऐसे कोई कमर को सहलाता है क्या। चित्रा डरावनी आवाज में कहती है, तुझे नोच नहीं खाऊंगी बल्कि कच्चा चबा जाऊंगी। जैसे ही चित्रा की ये बात दीपक के कानों तक पहुंचती है दीपक डर से कांप जाता है, क्योंकि ये चित्रा की वो आवाज नहीं थी जिसे वो इतनी देर से सुन रहा था। इस आवाज में खौफ था, डरावनापन था। दीपक जो कि खुद चित्रा की पीठ पर अपने हाथ फेर रहा था, चित्रा की डरावनी आवाज सुनकर अपना हाथ उसकी पीठ पर फेरना बंद कर देता है। उसके हाथ जहाँ पर थे उसी जगह पर रुक जाते हैं। उसी वक्त दीपक को एहसास होता है जैसे चित्रा की पीठ पर कोई चीज रेंग रही है। दीपक हिम्मत करते हुए फिर चित्रा की कमर पर हाथ फेरने की कोशिश करने लग जाता है, पर इस बार जैसे ही वो चित्रा की कमर पर अपने हाथ फेरता है उसके हाथ सीधे चित्रा की मोटी सी चोटी पर चले जाते हैं और उसे एहसास होता है कि चित्रा की चोटी में भी मूवमेंट हो रहा था। उस चोटी के मूवमेंट को महसूस करके दीपक की जान हलक में आ जाती है।
उसका बदन जो गर्म हो गया था वो ठंडा होने लग जाता है। दीपक का सिर जो चित्रा की गर्दन के पास था, दीपक पीछे की तरफ झांकते हुए चित्रा की चोटी देखने की कोशिश करने लग जाता है। और जब वो चित्रा की चोटी देखता है तो उसका दिल जोरों से धड़कने लग जाता है। वो देखता है कि चित्रा की चोटी सांप की तरह उसकी पीठ पर डोल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे चित्रा की चोटी में जान हो। उस चोटी को देखकर दीपक डर से कांपते हुए हकलाते हुए कहता है, डायन। जैसे ही दीपक के मुंह से ये शब्द निकलता है, वो तुरंत अपने बदन को चित्रा के बदन से दूर करने लग जाता है। पर चित्रा ने दीपक को कस कर पकड़ रखा था, जिस कारण इस बार दीपक उससे दूर नहीं हो पाता है। जब दीपक चित्रा से दूर होने की कोशिश करता है, तब जाकर उसकी चित्रा के चेहरे पर नजर पड़ती है। और जब वो उसका चेहरा देखता है तो बौखला जाता है। डर के कारण उसकी सांसें थम जाती है। चित्रा पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी आंखें काली से हरी हो चुकी थी, चेहरा काला पड़ चुका था, होंठ सूख गए थे। चित्रा बड़े प्यार से कहती है, अब कहाँ जा रहा है दीपू? जब जाना था तब तो गया नहीं, अब जाकर क्या करेगा? दीपक डर से कांपते हुए कहता है, डायन, डायन। दीपक बार बार बस चित्रा को देखकर डायन डायन ही बोले जा रहा था और कुछ नहीं बोल रहा था। जब दीपक अपने आसपास नजरें फिरता है तो देखता है कि उसके चारों तरफ बिल्लियां ही बिल्लियां थी। कुछ बिल्लियां पेड़ पर चढ़ी हुई थी तो कुछ कब्रों के ऊपर। चित्रा के डायन बनते ही उस कब्रिस्तान में ढेर सारी बिल्लियां जमा हो गई थी। दीपक डरते हुए कहता है, छोड़ दो मुझे। चित्रा डरावनी आवाज में कहती है, ऐसे कैसे छोड़ दो दीपू, अभी तो बहुत कुछ पकड़ना बाकी है। दीपक चित्रा की आंखों में देखते हुए डरते रहता है, पलटकर कुछ नहीं कहता है। चित्रा डरावनी आवाज में फिर बोल पड़ती है, तो क्या कहा था तूने कि फिल्मों में इसी तरह लड़कियां अनजान लड़कों को सुनसान जगह पर ले जाती है और उस सुनसान जगह पर ले जाकर लड़कों को इशारा करती है उनके पीछे जाने का, और फिर लड़का उस लड़की के पीछे जाता है और फिर उन दोनों के बीच वो हो जाता है। पर लगता है तूने हॉरर फिल्में नहीं देखी है। उस सुनसान जंगल में जो लड़कियां लड़कों को ले जाती हैं, उनमें से कुछ लड़कियां डायने भी निकलती हैं, और आज तेरा सामना भी एक डायन से हुआ है, चित्रा डायन से। दीपक इतना ज्यादा डर गया था कि कुछ बोल तक नहीं पा रहा था। चित्रा गुस्से के साथ दीपक को घूरते रहती है। देखते ही देखते चित्रा की चोटी सामने की तरफ आती है और एक झटके के साथ दीपक के पेट के अंदर घुस जाती है। दीपक दर्द से कराहते हुए चीख पड़ता है, आह! सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। दीपक दर्द से कराहते हुए चीख पड़ता है, आह! दीपक के दर्द से कराहने की आवाज आसमान में गूंज उठती है। चित्रा की चोटी दीपक के पेट के अंदर घुसकर घूमती रहती है। कुछ सेकंड बाद जब चित्रा की चोटी दीपक के पेट से बाहर आती है तो चोटी से दीपक के पेट की अंतड़ियां लिपटी हुई थी, वो खून से सन गई थी। चित्रा अभी भी गुस्से के साथ दीपक को घूरते रहती है। वो दीपक के पेट की अंतड़ियों को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहती है, मैंने कहा था ना तुझसे, मैं तुझे नोचूंगी नहीं बल्कि कच्चा चबा जाऊंगी, तो अब देख मैं कैसे तुझे कच्चा चबा जाती हूँ। इतना कहकर चित्रा दीपक की अंतड़ियों को अपने पैने नुकीले दांतों से कच कच करके चबाने लग जाती है। जब दीपक चित्रा को अपने पेट की अंतड़ियां खाते हुए देखता है तो ये खौफनाक मंजर वो देख नहीं पाता। उसे दिल का दौरा पड़ता है, उसका दिल धड़कना बंद कर देता है और उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है। जैसे ही दीपक की मौत होती है, बादल जो कुछ देर से जोर जोर से गरज रहे थे वो बरसना शुरू कर देते हैं। बारिश होने लग जाती है और जैसे ही बारिश शुरू होती है वहां पर जो बिल्लियां मौजूद थी वो चिल्लाना शुरू कर देती है। पूरा कब्रिस्तान बिल्लियों की आवाज से गूंज उठता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो बिल्लियां जश्न मना रही हो चित्रा के शिकार करने पर। लेकिन चित्रा का ध्यान उन बिल्लियों पर जरा सा भी नहीं था। उसका ध्यान था तो दीपक का मांस खाने में। चित्रा दीपक का मांस अपने हाथों से मसलते हुए निकालते जा रही थी और उसे खाते जा रही थी। चित्रा के सबसे पास जो बिल्ली मौजूद थी वो थी सुनहरी बिल्ली। वही सुनहरी बिल्ली जो उसके जन्म के वक्त भी आई थी। वो सुनहरी बिल्ली चित्रा को बड़े गौर से देख रही थी, मांस खाते हुए जैसे वो चित्रा की काबिलियत को जांच रही हो। 15 मिनट पहले चित्रा के घर में। इस तरफ जैसे जैसे वक्त बीतते जा रहा था डायंतिका और निशाज की टेंशन बढ़ते जा रही थी। चित्रा की फिक्र उन दोनों को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। एक पल भी वो दोनों चैन से नहीं बैठ पाए थे। हॉल के अंदर ही कभी खड़े रहते तो कभी चहलकदमी कर रहे थे। डायंतिका तो बार बार दरवाजे के पास जा रही थी और जब वो बाहर झांक कर देखती कि चित्रा आते हुए नजर नहीं आ रही तो वो वापस से घर के अंदर आकर परेशान होने लग जाती। डायंतिका दीवार पर लगी घड़ी में वक्त देखते हुए घबराहट के साथ कहती है,
ग्यारह बज गए निशाच, अभी तक चित्रा नहीं आई है। निशाच खामोशी के साथ खड़ा रहता है। उसके खुद समझ नहीं आ रहा था कि चित्रा अभी तक क्यों नहीं आई थी। वो खुद परेशान था, ऊपर से डायंतिका के सवाल उसे और परेशान कर रहे थे। डायंतिका अपना पूरा गुस्सा निशाच पर निकालते हुए कहती है, कैसे पिता हो निशाच तुम? तुम्हें अपनी बेटी की कुछ फिक्र है भी या नहीं? तुम कुछ करते क्यों नहीं? निशाच भी अपना आपा खो बैठता है और झट से बोल पड़ता है, क्या करूं मैं डायंतिका? अब तुम ही बताओ, मैं चित्रा का बाप हूँ ये साबित करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? निशाच को इतने गुस्से में देखकर डायंतिका एकदम शांत पड़ जाती है। उसने भी निशाच को आज से पहले इतने गुस्से में और इस तरह बात करते हुए पहले कभी नहीं देखा था। कुछ देर बाद डायंतिका हिम्मत करते हुए फिर निशाच से बोल पड़ती है, तुम हमारी बेटी को ढूंढने क्यों नहीं जाते हो? कब तक हम उसका इसी तरह इंतजार करते रहेंगे? निशाच एक उम्मीद के साथ फिर बोल पड़ता है, वो आ जाएगी डायंतिका, तुम टेंशन मत लो। डायंतिका निशाच पर चिढ़ते हुए कहती है, तुम पिछले 3 घंटे से यही बोले जा रहे हो निशाच, पर वो अभी तक नहीं आई है। पता नहीं वो किस हाल में होगी, ठीक भी होगी या नहीं। निशाच खामोशी के साथ खड़ा रहता है, पलटकर कुछ नहीं कहता है। डायंतिका फिर निशाच से बोल पड़ती है, ऊपर से ये मौसम कितना खराब हो रहा है, पता नहीं ऐसे हाल में मेरी बेटी। डायंतिका अपनी बात पूरी करे बगैर ही चुप हो जाती है। वो दोनों हाथों से कसकर अपने सिर को पकड़ लेती है। डायंतिका को ऐसा करते देख निशाच को बड़ा अजीब लगता है। वो उसी वक्त डायंतिका के पास जाता है और उसे अपने दोनों हाथ से पकड़ते हुए कहता है, क्या हुआ डायंतिका, तुम ठीक तो हो ना? डायंतिका पलटकर कुछ जवाब नहीं देती है, अपने दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़े रखती है। निशाच डायंतिका को समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, मैंने बोला था ना डायंतिका, तुम ज्यादा टेंशन मत लो, हो गई ना तुम्हारी तबीयत खराब, अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है, तुम अब वो पहली बारी डायंतिका नहीं रही हो। डायंतिका अभी भी कुछ जवाब नहीं देती है, वो बस अगले ही पल अपनी आंखें बंद कर लेती है। डायंतिका को ऐसा करते देख निशाच घबरा जाता है और हड़बड़ाहट के साथ फिर उससे बोल पड़ता है, डायंतिका डायंतिका ये क्या हो रहा है तुम्हें? अगली पल डायंतिका अपनी आंखें खोल लेती है। डायंतिका की आंखों में निशाच को एक डर नजर आ रहा था, वो डर जिसे वो सालों से छुपा कर रखे हुए था। निशाच फिर डायंतिका से कहता है, क्या हुआ डायंतिका, तुम ठीक हो? डायंतिका हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ती है, चित्रा खतरे में है निशाच, खतरे में है हमारी चित्रा। डायंतिका के मुंह से ये बात सुनकर निशाच और ज्यादा घबरा जाता है। निशाच घबराते हुए डायंतिका से कहता है, कि तुम क्यों बोल रही हो डायंतिका? डायंतिका निशाच के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, मैं वही बोल रही हूँ निशाच जो मैंने महसूस किया है, हमारी चित्रा पर उसकी शक्तियाँ हावी हो रही हैं। मैंने चित्रा की शक्तियों को बांध कर रखा हुआ था उसके जूड़े से, पर उसका जूड़ा खुल चुका है और आज अमावस्या है, आज की रात तो उसका जूड़ा खुलना नहीं चाहिए था, उसे बंधे रहना चाहिए था। निशाच डायंतिका को एकटक देखते हुए उससे पूछता है, तुम्हें ये सब कैसे पता चल रहा है डायंतिका? डायंतिका निशाच के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, भूलो मत उसको वो शक्तियाँ किससे मिली है, मैं माँ हूँ उसकी, वो मेरा ही अंश है और एक माँ को अपने अंश के बारे में सब कुछ पता होता है। निशाच पलटकर कुछ नहीं कहता है, उसके समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। डायंतिका फिर बोल पड़ती है, मैं उसकी शक्तियों को महसूस कर पा रही हूँ, वो हमारे आसपास ही है, हमें हमारी बेटी के पास जाना होगा उसकी रक्षा करने के लिए, उसे रोकना होगा कहीं वो कुछ कर ना बैठे, उस पर कोई दाग नहीं लगना चाहिए, जिस तरह हमने उसे अभी तक पवित्र बनाए रखा है उसी तरह पवित्र रखना है। निशाच हड़बड़ाहट के साथ कहता है, हाँ जल्दी चलो डायंतिका, हमें देर नहीं करनी चाहिए। डायंतिका हड़बड़ाहट के साथ अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाती है, निशाच भी उसके साथ जाने लग जाता है। डायंतिका और निशाच इतनी हड़बड़ाहट के साथ घर से निकले थे कि निशाच ने अपने साथ अपना स्कूटर भी नहीं रखा था, वो दोनों पैदल पैदल जल्दबाजी में निकल पड़े थे। डायंतिका और निशाच अभी आधे रास्ते तक पहुंचे ही थे कि तभी आसमान में तेज बिजली चमकती है। बिजली इतनी तेज चमकी थी कि चारों तरफ उजाला हो गया था। उस बिजली की आवाज को सुनकर डायंतिका के पैर थम से जाते हैं, वो अपना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाती है। डायंतिका वहां पर रुकी हुई थी कि तभी वहां पर बारिश होनी शुरू हो जाती है। जैसे ही बारिश की बूंदें डायंतिका के चेहरे पर पड़ती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। निशाच घबराते हुए डायंतिका से पूछता है, क्या हुआ डायंतिका, तुम रुक क्यों गई और ये तुम रो क्यों रही हो? डायंतिका निशाच की बात का कुछ जवाब नहीं देती है, बस उसकी घबराहट बढ़ जाती है और वो फिर से भागना शुरू कर देती है। निशाच भी डायंतिका के पीछे जाने लग जाता है। डायंतिका अपनी पूरी जान लगाकर भाग रही थी, भागते भागते वो कई बार गिर गई थी, पर वो फिर भी उठकर भागते जा रही थी, जैसे उसे किसी भी हालत में अपनी बेटी के पास पहुंचना हो। वो जल्द से जल्द चित्रा के पास पहुंचना चाहती थी। चित्रा की फिक्र उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। वो रोते जा रही थी और भागते जा रही थी। कुछ ही देर में डायंतिका पार्क स्ट्रीट कब्रिस्तान के पास आकर रुक जाती है।
दयंतिका वहां पर रुककर हाफने लग जाती है, लंबी लंबी आहें भरने लग जाती है। निशाज हड़बड़ाहट के साथ दयंतिका से पूछता है, क्या हुआ दयंतिका, तुम यहाँ पर क्यों रुक गई? दयंतिका अपने हाथ से कब्रिस्तान की तरफ इशारा करते हुए कहती है, वो यहीं पर है। निशाज दयंतिका को एकटक देखते हुए उससे पूछता है, हमारी बेटी चित्रा? दयंतिका कहती कुछ नहीं, बस हाँ में अपना सिर हिला देती है। अगले ही पल दयंतिका कब्रिस्तान के अंदर घुस जाती है। जब वो कब्रिस्तान के अंदर घुसती है तो उसे बहुत अजीब सा महसूस होने लग जाता है। वो कदम जो हड़बड़ाहट के साथ बढ़ा रही थी उसकी चाल धीमी होने लग जाती है। जैसे जैसे वो कब्रिस्तान के अंदर अपने कदम बढ़ाती जा रही थी उसके दिल की धड़कन बढ़ते जा रही थी। अभी दयंतिका कब्रिस्तान के आधे रास्ते तक आई ही थी कि तभी उसकी नजर वहां पर बहते हुए पानी पर पड़ती है, और जब वो उस पानी को देखती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सिर्फ उसकी ही नहीं, निशाज के भी रोंगटे खड़े हो गए थे उस पानी को देखकर। वो पानी लाल रंग का था जो खून की तरह लग रहा था, ऐसे जैसे वहां पर खून बह रहा हो। निशाज तुरंत नीचे झुकता है और उस पानी की एक बूंद को पीते हुए कहता है, ये तो खून है। जैसे ही निशाज ये बात बोलता है दयंतिका और ज्यादा घबरा जाती है। वो डरते हुए कहती है, मेरी बेटी चित्रा, वो। दयंतिका हड़बड़ाहट के साथ फिर अपने कदम बढ़ाने लग जाती है। अभी दयंतिका ने 4-5 कदम अपने आगे बढ़ाए थे कि तभी उसके कदम अपने आप रुक जाते हैं। सिर्फ उसके ही नहीं बल्कि निशाज के कदम भी अपने आप रुक जाते हैं। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज को देखकर उनके दिल को बहुत बड़ा झटका लगा हो। उन दोनों की आंखों के पुतले में चित्रा नजर आने लग जाती है, जिसमें चित्रा के हाथ में मांस का टुकड़ा था जिसे वो अपने पैने नुकीले दांतों से चबाए जा रही थी। उसका मुंह और हाथ खून से लथपथ था। सिर्फ मुंह और हाथ ही नहीं बल्कि उसके आधे से ज्यादा काली ड्रेस खून से सनी हुई थी। दीपक का पूरा सिर चित्रा चबा चुकी थी। सिर्फ सिर ही नहीं बल्कि उसके सीने तक का हिस्सा और बाकी का शरीर भी वो खाने में लगी हुई थी। दयंतिका और निशाज को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके सामने उनकी बेटी चित्रा थी। वही चित्रा जिसने कभी किसी चींटी तक को नहीं मारा था, आज वो उनके सामने एक आदमी को कच्चा चबा कर खा रही थी। चित्रा को इस हालत में देखकर दयंतिका और निशाज दोनों की रूह कांप गई थी। चित्रा अभी भी दीपक का मांस खाए जा रही थी। उसका दयंतिका और निशाज पर ध्यान ही नहीं गया था। वो ढेर सारी बिल्लियां जिसने चित्रा को चारों तरफ से घेर कर रखा हुआ था, वो सारी बिल्लियां वहां से गायब हो चुकी थी। जैसे उन्हें निशाज और दयंतिका के वहां पर आने की भनक लग रही हो और वहां पर आने से पहले ही वो वहां से चले गए हो। चित्रा को इस हालत में देखकर निशाज और दयंतिका दोनों की आंखों से आंसू निकल आते हैं। दयंतिका चित्रा को पुकारते हुए कहती है, चित्रा मेरी बेटी, ये क्या कर रही है तू? जैसे ही दयंतिका की आवाज चित्रा के कानों तक पहुंचती है, वो दयंतिका और निशाज की तरफ देखने लग जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे दयंतिका और निशाज को देखकर चित्रा की आंखें भी नम होने लग गई हो। पहले तो चित्रा दयंतिका और निशाज को ऐसे ही एकटक देखती रहती है, पर अगले ही पल एक जोरदार बिजली चमकती है जिसकी रोशनी सीधे चित्रा के चेहरे पर पड़ती है, और उसी के साथ चित्रा फिर दीपक के मांस को उसके शरीर से उधेड़ती है और उसे खाने लग जाती है। निशाज भागते हुए चित्रा के पास जाता है और उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहता है, छोड़ो चित्रा बेटी, इसे ये क्या कर रही हो तुम? चित्रा झट से निशाज को दूसरी तरफ धक्का दे देती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो निशाज को जानती ना हो। चित्रा फिर से दीपक का मांस खाने लग जाती है। दयंतिका और निशाज दोनों ही चित्रा को रोकने की कोशिश करते हैं, उसे वहां से दूर करने लग जाते हैं, पर वो चित्रा को रोक नहीं पाते हैं। चित्रा दीपक का मांस उसके मृत शरीर से उधेड़ उधेड़ कर खाते रहती है। दयंतिका और निशाज भी बस रोते रहते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। वो समझ चुके थे कि चित्रा की शक्तियां उस पर पूरी तरह हावी हो चुकी थी, और अब वो तब तक नहीं रुकने वाली थी जब तक वो पूरी तरह शांत नहीं हो जाती। चित्रा सारी रात दीपक के मांस को खाती रहती है, उसका खून पीती रहती है, और उसके माँ बाप रोते रहते हैं। चित्रा दीपक के शरीर की हड्डियां तक नहीं छोड़ती है, उसे भी अपने नुकीले दांतों से चबाते हुए निगल जाती है। वो चित्रा जिसे उसके माँ बाप बचपन से इन सब चीजों से दूर रखना चाहते थे, आज वो जाने अनजाने में खुद उस चीज के पास आ गई थी। दयंतिका और निशाज की जिंदगी का वो चांद जिसे वो बेदाग रखना चाहते थे, अमावस्या की रात में उस चांद पर दाग लग चुका था। एक ऐसा दाग जो अब कभी नहीं मिटने वाला था, और ये तो बस एक शुरुआत थी डायन बनने की, असली सफर तो अभी बाकी था। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। दयंतिका और निशाज की जिंदगी का वो चांद जिसे वो बेदाग रखना चाहते थे, अमावस्या की रात उस चांद पर दाग लग चुका था। एक ऐसा दाग जो अब कभी नहीं मिटने वाला था, और ये तो बस एक शुरुआत थी डायन बनने की, असली सफर तो अभी बाकी था।
देखते ही देखते आंसू की बूंद में फिर हलचल होने लग जाती है। युग जो कि उस लॉकेट में ये सब होते हुए देख रहा था, वो समझ जाता है कि वो फिर से उस सीन से बाहर निकलने वाला था। और देखते ही देखते उस पानी की बूंद में फिर से चित्रा का चेहरा नजर आने लग जाता है। इस बार चित्रा की आंखें कुछ नम थी। चित्रा उसी नम आंखों के साथ युग से फिर बोल पड़ती है, युग बेटा, वो अमावस्या की रात मेरी जिंदगी की सबसे काली रात थी। उस रात को मैं कभी नहीं भुला पाई। उस रात मैं दीपक के शव को तब तक खाते रही जब तक वो काली रात खत्म नहीं हो गई। मेरे माता पिता मेरी आंखों के सामने रोते रहे, मुझे रोकने की कोशिश करते रहे, पर मैं नहीं रुकी। मैं रुकती भी कैसे, मैं एक डायन जो बन चुकी थी। और जब कोई औरत डायन बनती है तो वो किसी की सगी नहीं होती है, अपनों की भी नहीं। उसके ऊपर डायन इस तरह हावी हो जाती है कि वो किसी की नहीं सुनती है। चित्रा की ये बात सुनकर युग को यामिनी का ख्याल याद आने लग जाता है। वो समझ जाता है कि क्यों जब यामिनी डायन बनती थी तो वो किसी की नहीं सुनती थी, सब कुछ भूल जाती थी क्योंकि उस पर डायन हावी हुआ करती थी। चित्रा एक लंबी आह भरते हुए फिर युग से बोल पड़ती है, उस काली अमावस्या की रात दीपक का मांस खाते खाते कब मैं बेहोश हो गई मुझे पता ही नहीं चला। जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को अपने घर में पाया और मेरे कपड़े भी बदले हुए थे। मेरी आंखों के सामने मेरे माता पिता थे जिनकी आंखें नम और सूजी हुई थी। उनकी आंखें देखकर ही मैं समझ गई थी कि मेरी फिक्र के कारण वो ठीक से सो तक नहीं पाए थे। उन्हें उस वक्त भी मेरी चिंता लगी हुई थी। बाद में मुझे पता चला कि मैं पूरे 2 दिन बाद बेहोशी से उठी थी। 2 दिन तक बिना कुछ खाए मैं उसी बेड पर पड़ी रही थी। चित्रा की ये बात कहते ही युग सहम जाता है। उसे तो यकीन ही नहीं होता है कि चित्रा बिना कुछ खाए पिए 2 दिन तक उसी बेड पर बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। चित्रा फिर बोल पड़ती है, जब मेरी आंख खुली और मैंने मम्मी पापा से पूछा कि अमावस्या की रात को मुझे क्या हो गया था, कैसे मैं उस तरह उस आदमी का मांस खाने लग गई थी, तो मम्मी पापा ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया जैसे कि उस रात कुछ हुआ ही ना हो। मैंने वो सारा हादसा उन्हें बताया जो उस रात मेरे साथ हुआ था, पर उन्होंने कहा वो सब मेरा बस सपना था और कुछ नहीं। उन्होंने तो मुझसे ये भी कह दिया था कि उस रात वो दोनों मुझे ढूंढते हुए कब्रिस्तान में आए ही नहीं थे, मैं खुद वक्त पर घर आ गई थी। पर मैं जानती थी कि मेरे मम्मी पापा मुझसे सच नहीं बोल रहे थे। कोई कितना भी सच छुपाने की कोशिश करे पर कुछ निशानियां ऐसी होती है जिससे सच सामने आ ही जाता है। होश में आने के बाद से ही मेरे बदन पर कई सारे खरोंच के निशान थे जो कि मेरे ही नोचने से मेरे बदन पर आए थे, जो उस रात मैंने खुद अपने आप को दिए थे। और तो और मेरी गर्दन पर एक और निशान था और वो था एक चोटी का। मेरी गर्दन पर नागिन की तरह लहराती हुई एक चोटी बनी हुई थी जो उसी रात के बाद मेरे बदन पर आई थी। उस आंसू की बूंद में चित्रा की गर्दन पर जो निशान बना हुआ था वो दिखने लग जाता है। चित्रा सामने की तरफ मुड़ती है और फिर युग से बोल पड़ती है, उस रात के बाद से ही मेरे मम्मी पापा ने मेरा और ज्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया था। कैसे ना करते, अगर किसी बच्चे की तबीयत खराब होती है तो उसके माता पिता की नींद चैन सब खो जाता है, और मैं तो एक आदमी को कच्चा खा गई थी जिस कारण मेरे माता पिता की टेंशन और ज्यादा बढ़ गई थी। मम्मी पापा में से हर वक्त कोई ना कोई मेरे साथ रहता था, वो एक पल के लिए भी मुझे अकेला नहीं छोड़ते थे। और तो और जिस रात अमावस्या और पूर्णिमा होती थी उस रात मुझे रात में क्या दिन में भी घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। 24 घंटे मेरे साथ उन दोनों में से कोई ना कोई रहता ही था। उन्हें डर सताते रहता था इस बात का कि ना जाने कब मेरे अंदर की डायन मुझ पर हावी हो जाए और मैं किसी का शिकार करने निकल जाऊं। चित्रा एक लंबी सांस अपने सीने के भीतर भरती और उसे छोड़ते हुए फिर बोल पड़ती है, हाँ, माँ पापा को लगता था कि उस रात मेरे दामन पर दाग उनकी गलती के कारण लगा था। अगर उस रात वो मुझे बाहर नहीं निकलने देते तो वो सब होता ही नहीं। पर उन्हें क्या पता था कि कुछ चीजों को कोई नहीं बदल सकता, जो होना रहता है वो किसी न किसी तरह से होकर ही रहता है, उसे कोई नहीं रोक सकता है। माँ पापा ने सोच लिया था कि अब वो मुझे किसी का शिकार नहीं करने देंगे, सब चीजों से मुझे बचा कर रखेंगे। 2 साल तक माँ पापा ने मुझे इन सब चीजों से बचा कर रखा था, फिर मुझे किसी का शिकार नहीं करने दिया था। माँ पापा ने मुझे शिकार करने से तो रोक लिया था पर मुझे कमजोर होने से नहीं रोक पाए थे। युग बड़े गौर से चित्रा की सारी बातें सुनते रहता है, उसके दर्द को महसूस करने लग जाता है, उसके दर्द को अपना दर्द समझने लग जाता है। चित्रा फिर बोल पड़ती है, मेरे मुंह को खून लग गया था, और जब एक डायन के मुंह को खून लग जाता है तो उसे हर पूर्णिमा अमावस्या और अष्टमी को खून चाहिए होता है। अगर वो 3 दिन उसे खून मांस नहीं चढ़ता है तो वो कमजोर होने लग जाती है, और मुझे तो 2 साल से खून और मांस नहीं चढ़ा था। युग बेटा, तुम खुद सोच सकते हो कि मैं कितनी कमजोर हो चुकी होंगी। मेरी हालत तो कुछ इस कदर गिर गई थी कि मैं मरने की कगार पर आ गई थी। मैं अपने जीवन की आखिरी सांसें गिन रही थी। मुझे तो उस वक्त ये लगने लग गया था कि मैं अब कभी बिस्तर से नहीं उठ पाऊंगी। ये बात मेरे माता पिता ने भी भांप ली थी।
वो समझ गए थे कि अगर इस बार अमावस्या की रात मैंने किसी का शिकार नहीं किया तो फिर मैं कभी नहीं जी पाऊंगी। वो अमावस्या की रात मेरे जीवन की आखिरी रात होगी। इतना कहकर चित्रा चुप हो जाती है। वो युग की आंखों में देखती रहती है। युग भी एकटक नजर से आंसू की बूंद के अंदर ही दिखती हुई चित्रा की आंखों में देखते रहता है। चित्रा अपनी दास्तां आगे जारी रखते हुए फिर बोल पड़ती है, मेरे माता पिता की समझ नहीं आ रहा था वो क्या करें, कैसे मुझे एक नया जीवन दे। मैं तो इस हालत में भी नहीं थी कि किसी का शिकार कर पाऊं, पर मैं अपने माता पिता को अच्छे से जानती थी। अगर मैं ठीक हालत में भी होती तो वो कभी इस बात के लिए तैयार नहीं होते कि मैं किसी का शिकार करूं, उसी काली दुनिया में कदम रखूं जिससे वो निकल कर बाहर आए थे। आखिर उसी सब चीज से बचने के लिए तो वो अपना सब कुछ छोड़कर इंसानों के साथ जीने के लिए आए थे। वो नहीं चाहते थे कि मैं भी उनकी तरह कलंकित हो जाऊं। अगर मैं शिकार करती तो अब तक उन्होंने जो परिश्रम किया था वो सारा व्यर्थ हो जाता, पर अगर नहीं करती तो उनकी बेटी हमेशा हमेशा के लिए उनसे दूर हो जाती। मेरे मम्मी पापा ने बहुत सोच विचार किया, अमावस्या आने तक कुछ ऐसा किया जाए जिससे मेरी जान भी बच जाए और मुझे शिकार भी ना करना पड़े, मैं डायन की दुनिया में कदम रखने से बच जाऊं। युग को ऐसा लगने लग जाता है जैसे चित्रा आंसू की बूंद में ना होकर उसके सामने ही मौजूद हो और वहीं से उसे सब कुछ बता रही हो। वो इस तरह भावना में बह जाता है कि हड़बड़ाहट के साथ चित्रा से पूछ पड़ता है, फिर उन्होंने क्या किया माँ? चित्रा जवाब देती है, मुझे बचाने के लिए और मेरे दामन पर कलंक लगने से रोकने के लिए मेरे माता पिता ने वो कदम उठाया जिसके लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर सकती हूँ। उनके उस फैसले से आज भी मैं उनसे नाराज हूँ। अगर कभी वो मुझे मिल भी गए तो मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी, पर मैं जानती हूँ वो मुझे अब कभी नहीं मिलेंगे क्योंकि वो मुझसे बहुत दूर जा चुके हैं, इतने दूर कि अब कभी वापस लौट कर नहीं आ सकते। पर अगर कभी आते तो मैं उनसे पूछती कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों मुझे इतनी बड़ी सजा दी जिसे मैं आज तक भोग रही हूँ, जिसके बारे में सोचकर मेरा दिल छलनी हो जाता है। इससे अच्छा तो ये होता कि उन्होंने मुझे बचाए नहीं होता, मरने दिया होता उस अमावस्या की रात। इतना कहकर चित्रा रोने लग जाती है। उसकी आंखों से अश्कों की धारा बहने लग जाती है। चित्रा की आंखों में आंसू देखकर युग की आंखों से भी आंसू बहने लग जाते हैं और देखते ही देखते आंसू की बूंद में फिर से हलचल होनी शुरू हो जाती है। चित्रा का चेहरा उसे धुंधला नजर आने लग जाता है। कुछ देर बाद जब चीजें स्पष्ट होती है तो वो देखता है कि चित्रा एक बेड पर लेटी हुई थी। वो हद से ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, इतनी ज्यादा कमजोर कि युग इस बारे में सोच तक नहीं पाया था। चित्रा के शरीर के अंदर खून की एक बूंद तक नहीं बची हुई थी जिस कारण उसका शरीर सफेद पड़ चुका था, उसका शरीर सूख चुका था, उसके हाथ पैर चेहरे की हड्डियां दिखने लग गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर मांस ही ना हो। आंखों के नीचे भी डार्क सर्कल पड़े हुए थे, बाल पूरी तरह सफेद और कमजोर हो चुके थे। टूटे हुए बालों का गुच्छा तो उसके सिरहाने के बगल में ही पड़ा हुआ था। उसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें अंदर धंस चुकी हो। हाथ पैर के नाखून भी काले पड़ चुके थे और होंठ फटे हुए और सूख चुके थे। चित्रा की यह हालत होती भी कैसे नहीं, आखिर 3 महीने से वो इसी बेड पर पड़ी हुई थी। वो ठीक से चल तक नहीं पा रही थी। चित्रा के बगल में ही उसकी माँ डायंतिका बैठी हुई थी जिसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी जिसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि अपनी बेटी की फिक्र के कारण वो कई रातों से सो नहीं पाई थी। एक नोटिस करने वाली बात ये थी कि चित्रा और डायंतिका दोनों के बदन पर ही काले कपड़े थे और तो और दोनों की चोटी का जूड़ा बंधा हुआ था। चित्रा का बेड उसके कमरे में नहीं लगा हुआ था बल्कि हॉल में लगा हुआ था। उसके आसपास कुछ अंधेरा था। हॉल का सारा सामान किसी खास मकसद से वहां से हटा दिया गया था। हॉल में ही कुछ कुछ जगह पर मशालें चल रही थी, उसी का उजाला चारों तरफ फैला हुआ था। डायंतिका चित्रा से लिपट कर रोते हुए कहती है, ये तुम्हें क्या हो गया चित्रा बेटा, तुम ऐसी तो नहीं थी, तुम अपनी माँ से बात क्यों नहीं करती हो, क्या तुम अपनी माँ से नाराज हो, क्योंकि वो तुम्हें अकेले बाहर नहीं जाने दिया करती थी। तुम्हारी माँ अपनी गलती की माफी मांगती है चित्रा बेटी, बस तुम एक बार अपनी आंखें खोलो, फिर तुम जो बोलोगी तुम्हारी माँ वही करेगी। बस तुम एक बार उठ जाओ चित्रा बेटी, अपनी माँ को माँ कहकर पुकारो, मेरी कान तरस गए तुम्हारी आवाज सुनने के लिए। डायंतिका बेड पर लेटी हुई चित्रा से कुछ न कुछ बोले जा रही थी, पर चित्रा कुछ जवाब नहीं दे रही थी, उसकी आंखें बंद थी। चित्रा की आंखें बंद जरूर थी पर उसके दिल की धड़कनें अभी भी चल रही थी। उसमें जान बाकी थी पर वो मरने के करीब थी, जैसे वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही हो। डायंतिका चित्रा के पास बैठकर रो ही रही थी कि तभी उस कमरे में निशाच आ जाता है। निशाच ने भी काले कपड़े पहने हुए थे, उसने अपने बदन पर काला कुर्ता डाला हुआ था। निशाच डायंतिका के पास आकर खड़ा होता है, एक नजर वो डायंतिका की तरफ मारता है, पर जब वो चित्रा की तरफ देखता है तो उसके पैर भी अपनी बेटी को इस हालत में देखकर लड़खड़ा जाते हैं, उसकी आंखें भी नम होने लग जाती हैं।
पर वो अपनी आंखों से उन आंसुओं को बहने नहीं देता है क्योंकि वो एक आदमी था और एक आदमी अपने सारे आंसुओं को अंदर ही अंदर पी जाता है। कभी उन्हें बहने नहीं देता है क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानता है कि वो कई कमजोर कंधों का सहारा है। अगर वो रोने लग गया तो उसके आसपास जो कमजोर कंधों का काफिला है वो और ज्यादा कमजोर पड़ जाएंगे। निशाज डायंतिका से कहता है, तुम्हें जितना चित्रा को जी भर कर देखना था उतना तुम देख चुकी हो डायंतिका। पिछले एक हफ्ते से ना तुमने कुछ खाया है ना पिया है, तुम यहीं पर बैठी हुई हो। अब उठो यहाँ से, वक्त हो गया है। अमावस्या शुरू होने वाली है और उसके शुरू होने से पहले हमें सारी तैयारी करनी है, डायंतिका नम आंखों के साथ कहती है। निशाज, क्या वो सब करना जरूरी है? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।